गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है सभी का JINC ई नर्सिंग पे। तो स्टार्ट करेंगे आज अपन एक नई जर्नी, नया माइलस्टोन, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर और उसके साथ साथ में आईसीयू से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आने वाले नोट सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करें एग्जाम की, नोट से 2022 की बात करें, आने वाले नोट से 2022 के अंदर, और एज वी प्रीवियसली भी हमने देखा कि हर एक नोट सेट के अंदर जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू है, वो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और उन्हीं प्रैक्टिकल बेस्ड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो आपके लिए स्पेशल क्लास इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर ऑपरेशन थिएटर एंड आईसीयू के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है मैं स्टार्ट करूंगा विद ऑपरेशन थिएटर। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ऑपरेशन थिएटर और उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आपके इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू एग्जाम, वो सारे एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग लिंक को जो है, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो लाइव देख रहे हैं, सभी को शेयर कर दे ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और आप जो है ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनसे आप अवेयर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी डिले के। ऑपरेशन थिएटर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स, और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज। बहुत सारे एमसीक्यू आपके इमरजेंसी नर्सिंग के, बहुत सारी न्यू टेक्निक्स, न्यू चीजें जो आपको देखने को मिलेगी आज, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर ओटी एंड आईसीयू के बारे में। फर्स्ट पॉइंट जो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द ऑपरेशन थिएटर। आई जस्ट गिव यू अ लुक ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ऑफ जोधपुर एम्स। मैं आपको एक जोधपुर एम्स का जो व्यू है मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का, उसका आपको एक जस्ट व्यू दिखाता हूँ, ताकि आप भी उसके लिए बिल्कुल रेडी रहे कि आने वाले नोट से 2022 में आप सेलेक्ट होंगे और इस ऑपरेशन थिएटर में आप वर्क करेंगे। तो दिस इज द मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम MOT के नाम से जानते हैं। दिस इज द मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम करेंटली आजकल अगर अपन बात करें जोधपुर एम्स की बात करें, या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब की अगर अपन बात करें, तो सारे इस हॉस्पिटल्स के अंदर आपको इसी तरह का मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आजकल मिलेगा। इस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का सारा डिस्क्रिप्शन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कुछ पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएंगे, व्हेन यू वेंट टू एनी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, कुछ इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको डिफरेंसेस मिलेगा, कुछ इसकी डिजाइन आपको डिफरेंट मिलेगी। लाइक एक नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर जब आप डिस्कस करेंगे, तो इन अ नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर इस तरह का पेंटेड एरिया आपको नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन थिएटर होता है, जिसको हम बोलते हैं इट्स अ कॉर्नर फ्री ऑपरेशन थिएटर, इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर फ्री ऑपरेशन थिएटर। जब आप इस ऑपरेशन थिएटर की वॉल को देखोगे, तो यू विल सी लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस ओनली। इसकी जो वॉल होती है कुछ इस तरह बनाई जाती है, ताकि आपका कॉर्नर प्रेजेंट नहीं हो, और कॉर्नर नहीं होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस प्रिवेंट होंगे। तो इसका एक स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का एक पॉइंट है, इट ऑलवेज लुक, जो इसका डिजाइन होता है कैसा आपको मिलेगा, कॉर्नर फ्री मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होगा। दूसरा, यहाँ पे एयर का जो फ्लो है वो होगा आपका हेपा फिल्टर के थ्रू, जो आपके हेपा फिल्टर, स्पेसिफिक हेपा फिल्टर जो हम लगाते हैं, उन हेपा फिल्टर के थ्रू एयर जो है फ्रॉम सेंटर, ऊपर वाले पोर्शन सेंटर से सीधा टेबल के ऊपर आएगी, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी की ओर एयर हमेशा मूव करती है, और ये चेंबर जो आपको दिए हुए इनसे आपकी एयर जो है आउट हो जाएगी। तो एयर हमेशा इस तरह से यहाँ से फ्लो करेगी, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी आपका एयर का फ्लो मिलेगा, लेमिनार फ्लो आपका लगा होता है इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर। उसके भी अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो दिस इज एन व्यू ओनली, ये किस ऑपरेशन थिएटर का व्यू है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पुट किया मैंने। स्टार्ट करते हैं, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को लाइव देख रहे हैं, सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर आपके फ्रेंड जो भी हैं, सबके पास शेयर कर दे, ताकि सबको इस क्लास का बेनिफिट मिले। और हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को आगे।
ऑपरेशन थिएटर के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे, फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑपरेशन थिएटर विच विल बी आस्क यू इन अपकमिंग एग्जाम्स. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द रेशो ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ओटी का रेशो कितना होना चाहिए. एग्जाम में पूछ लिया कि आपके हॉस्पिटल के बेड के अकॉर्डिंग आपका एक स्टैंडर्ड रेशो जो है वो कितना होना चाहिए. द रेशो ऑफ ऑपरेशन थिएटर एज वेल एज द बेड इन हॉस्पिटल. तो हम बात करें अगर हॉस्पिटल के अंदर 50 सर्जिकल बेड है, इन योर हॉस्पिटल इफ यू आर हैविंग 50 सर्जिकल बेड देन यू हैव टू बी वन ऑपरेशन थिएटर. आपके पास अगर 50 सर्जिकल बेड है तो आपके ओटी कितनी होनी चाहिए. तो आंसर होगा आपके हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर एवरी 50 सर्जिकल बेड के ऊपर बना हुआ होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर. द रेशो ऑफ ऑपरेशन थिएटर में रेशो कितना रहेगा ओटी और बेड का रेशो. तो आंसर होगा हॉस्पिटल में कि 1:50. अगर आपके हॉस्पिटल में 50 सर्जिकल बेड है तो आपके कितने ओटीज होने चाहिए, एक ओटी होना चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ओटी होगा. इफ यू आर हैविंग 100 बेडेड हॉस्पिटल देन मिनिमम ऑपरेशन थिएटर शुड बी 2. इससे ज्यादा हो सकते पर इससे कम नहीं होने चाहिए. मिनिमम इज शुड बी 2 on 100, 1 on 50. इससे ज्यादा है तो इट्स गुड पर इससे कम आपके नहीं होने चाहिए. और बेड सिर्फ हम कौन से काउंट करेंगे, यहाँ पे सर्जिकल बेड आप यहाँ काउंट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट द स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर साइज. एक जो जनरल ऑपरेशन थिएटर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर जो आप देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, इफ उसकी साइज आपसे पूछी जाए हॉस्पिटल्स की ओटी की साइज, तो आपका आंसर होगा इट इज द 20-20-10 feet. 20 feet ये विड्थ में होगा, 20 feet आपका जो लेंथ है वो आपका होगा. लेंथ इज 20 feet, विड्थ इज 20 feet एंड हाइट इज 10 feet. दैट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन ऑपरेशन थिएटर. स्टैंडर्ड साइज फॉर एन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर का जो स्टैंडर्ड साइज है जिसकी हम बात करें तो क्या होगा. तो आंसर होगा इट शुड बी 20-20-10 feet. 20 feet इसका लेंथ होगा, 20 feet इसका विड्थ होगा एंड 10 feet इसका क्या होगा, हाइट आपको देखने को मिलेगा. तो ये याद रखना है फिट के अंदर द साइज ऑफ एन स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर दैट इज ऑलवेज 20-20-10 feet. नेक्स्ट द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट 21+-3. अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अंदर ओटी के टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आपका होना चाहिए 21+3 और इट मे बी -3. द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन इन बिटवीन 21+3 एज वेल एज -3 मीन्स 18-24 degrees सेंटीग्रेड या सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर विच यू हैव टू मेंटेन इन एन ऑपरेशन थिएटर. हमारे ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन करना है. आंसर होगा हमें मेंटेन करना है 18-24 degrees सेल्सियस के बीच में आपका ओटी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, मीन्स 21+-3 होना चाहिए. ये जितने भी पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूं मैं, दीज ऑल पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट आपके गोल्डन एमसीक्यू है जो आने वाले नोट सेट में कुछ भी यहां से पूछा जा सकता है. तो हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, नोट करना है और आने वाले नोट सेट के लिए बिल्कुल रेडी रहना है कि यहां से जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको करेक्ट करेंगे. उसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट द ह्यूमिडिटी विच शुड बी मेंटेन इन बिटवीन 40-60%. अगर ओटी में एयर की बात करें, इफ वी प्रोवाइड ड्राई एयर, अगर आप ओटी में ड्राई एयर प्रोवाइड करोगे तो ब्रीथिंग जो है जो भी पर्सन वहां वर्क कर रहे हैं उनको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होगी, अंदर का एरिया पूरा ड्राई होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी. तो हमें एयर को ड्राई नहीं रखना है, एयर शुड बी मॉइस्ट. एयर क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट फॉर्म में होनी चाहिए. हमें एयर को 40-60% ह्यूमिडिटी के साथ देना है. वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इज सप्लाइड थ्रू हेपा फिल्टर. एमसीक्यू यहां से पूछा जाएगा कि इन ऑपरेशन थिएटर द एयर शुड बी सप्लाइड, एयर किसके थ्रू सप्लाइड होती है. तो आपका आंसर होगा कि द एयर इज सप्लाइड थ्रू द हेपा फिल्टर. स्पेसिफिक टाइप के फिल्टर्स यहाँ पे लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेपा फिल्टर. एंड दीज हेपा फिल्टर आपकी ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करेंगे, एयर को सप्लाई करेंगे. बात करें हेपा फिल्टर की, हेपा फिल्टर का मीनिंग होता है
एग्जाम में कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो हमें आंसर देना है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। द फुल फॉर्म ऑफ हेपा फिल्टर इज द हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेपा फिल्टर? तो आंसर होगा द हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। जिसका आपकी बात करें हेपा फिल्टर, तो आंसर इज द हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, फुल फॉर्म ऑफ हेपा। नेक्स्ट पॉइंट, द एयर शुड बी सप्लाइड एंड शुड बी मेंटेन अ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। दिस इज एन वन मोर एमसीक्यू जो आने वाले नॉट सेट एग्जाम में आपको 100% पूछा जाएगा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम कौन सा वेंटिलेशन मेंटेन करते हैं। तो आंसर होगा कि इनसाइड हमारा एयर का प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कंपेयर टू आउटसाइड एयर, यानी आउटसाइड एयर का प्रेशर लो रहेगा और इनसाइड जो एयर है उसका प्रेशर हाई रहेगा। एंड व्हेनेवर वी ओपन द गेट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, जब भी हम ओटी के गेट को ओपन करेंगे, सारा का सारा एयर कहां फ्लो करेगा, आपके ओटी से बाहर की ओर मूव करेगा। आउटसाइड एयर नेवर मूव इनसाइड, अगर आउटसाइड का एयर जो है अंदर की ओर मूव करेगा तो उस कंडीशन में आपका जो ओटी है वो इन्फेक्ट हो सकता है। सो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब हम बात करें कि कौन सा प्रेशर वेंटिलेशन होता है, तो आंसर होगा इन ऑपरेशन थिएटर वी यूज, इट इज ओनली यूज इन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट नहीं होगा। सो देयर शुड, लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा है कि देयर शुड बी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ऑपरेशन थिएटर में आपको कौन सा वेंटिलेशन मेंटेन करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि ओटी के अंदर आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को मेंटेन करना है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे आपके आने वाले नॉट सेट 2022 के लिए गोल्डन पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि देयर शुड बी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन ऑपरेशन थिएटर, ओटी के अंदर आपको क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मेंटेन करना है। सो इनसाइड एयर शुड ओनली मूव आउटसाइड, द आउटसाइड एयर इज नॉट अलाउड टू मूव इनसाइड। सो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, ओटी के अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा हाई प्रेशर रखते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है, लो प्रेशर रहता है, ताकि एयर आपकी हमेशा कहां मूव करेगी, आउटसाइड ही मूव करेगी, कभी भी इनसाइड मूव नहीं करेगी। ओके, एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पुट किया मैंने, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज की क्लास का फर्स्ट एमसीक्यू, आपकी क्लास का फर्स्ट एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, सो फर्स्ट एमसीक्यू, रीड द एमसीक्यू वेरी केयरफुली एंड देन प्रोवाइड योर आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू आज की क्लास का, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्लास हम स्टार्ट किया उसका पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर। एमसीक्यू को बहुत केयरफुली रीड करें, रीड ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ द एमसीक्यू वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू विल प्रोवाइड योर आंसर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एमसीक्यू को रीड करें और उसके बाद अपना आंसर पुट करें। हम देखेंगे पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन और क्या इसका मीनिंग होगा वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास का, बात करें इस एमसीक्यू की, क्या एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस एयर कंटामिनेशन इन द ऑपरेटिंग रूम। ओटी के अंदर कौन सी कंडीशन से आपका एयर कंटामिनेशन इंक्रीज हो सकता है, कौन सी कंडीशन से यहाँ पे जो आपके ऑपरेशन थिएटर को इन्फेक्टेड करेगा, कंटामिनेटेड करेगा, विच कंडीशन कंटामिनेट द ऑपरेशन थिएटर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्टिंग एयर ट्रैफिक इन एंड आउट। हम क्या करें, हम रेस्ट्रिक्ट कर दे एयर के इन और आउट मूवमेंट को, एयर का जो अंदर और बाहर मूवमेंट हो रहा है उसको आप बंद कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे कि अब ना तो बाहर की एयर अंदर जा सकती है और ना ही अंदर की एयर बाहर आ सकती है। सो वी आर नॉट अलाउविंग द आउटसाइड एयर टू मूव इनसाइड एंड द इनसाइड एयर मूव आउटसाइड, दिस इज
रेस्ट्रिक्टेड, और अगर ये रेस्ट्रिक्शन होगा तो आपकी एयर एक्सचेंज नहीं होगा, और एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस लो रहेंगे. सो इट विल नॉट इन्फेक्ट, इट इज द राइट पॉइंट, ये तो इन्फेक्ट नहीं करेगा. पॉइंट बी लिखा है कि डंप डस्टिंग विद जर्मिसाइड सोल्यूशन. आप क्या कर रहे हैं, जर्मिसाइड सोल्यूशन के थ्रू बहुत अच्छी डस्टिंग कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में. व्हेन वी आर डूइंग द डस्टिंग, आप डस्टिंग करेंगे ओटी के अंदर बहुत अच्छे से, तो सारे बैक्टीरिया वायरस किल हो जाएंगे जर्मिसाइडल सोल्यूशन से, और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या रहेंगे, लो रहेंगे. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट पॉइंट. नेक्स्ट लिखा है मेंटेनिंग एयर प्रेशर लोअर देन द आउटसाइड होल. हमारी ओटी जो है, दिस इज द ऑपरेशन थिएटर, और इसके बाहर जो होल है उसको हमने आप कंपेयर किया कि दिस इज द ऑपरेशन थिएटर एंड दिस इज द आउटसाइड होल. ये तो आपका होल है और ये ओटी है. अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग एन एयर प्रेशर लोअर देन आउटसाइड होल. बाहर का जो होल है उससे आपका ओटी का प्रेशर क्या है, लो है. जब अंदर का प्रेशर लो होगा, बाहर का प्रेशर हाई होगा, इन दैट केस एयर विल बी मूव फ्रॉम होल टू ओटी. आपके होल से एयर कहां जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर. और जब ऑपरेशन थिएटर में आपकी बाहर की एयर अंदर मूव करेगी तो इट विल कॉज द इन्फेक्शन आपकी बॉडी का, सॉरी इट विल कॉज द कंटामिनेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एयर. तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि इसकी वजह से कंटामिनेशन इंक्रीज हो सकता है. डी लिखा है यूजिंग स्ट्राइल सर्जिकल इक्विपमेंट. अगर आप स्ट्राइल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, कंटामिनेशन नहीं होगा. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, सी की बात करें यहाँ पे कि मेंटेनिंग एयर प्रेशर लोअर देन आउटसाइड होल. आप आउटसाइड होल से ओटी का प्रेशर अगर लोअर मेंटेन करेंगे तो ये आपकी ओटी को क्या करेगा, कंटामिनेटेड करेगा, आपकी ओटी को इन्फेक्टेड करेगा. सो हमने फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्लाइड पे लिखा था कि ऑपरेशन थिएटर का प्रेशर, द ऑपरेशन थिएटर प्रेशर शुड बी मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर, इट शुड नॉट बी लो प्रेशर ऑफ ऑपरेशन थिएटर. सो आपका फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बिल्कुल आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल बहुत ही एनर्जी के साथ बना हुआ है, और इसी तरह आप इसको बना के रखें टिल द एंड ऑफ द क्लास. बहुत सारी नए पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत सारी नई चीज जो आपने अभी तक नहीं देखी वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक और एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीड करें और आंसर पुट करें कि क्या करेक्ट आंसर होगा. एक और एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसको आप रीड करें और आंसर पुट करें कि क्या करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, एमसीक्यू क्या पूछ रहा है उसको आपको पढ़ना है, बहुत केयरफुली रीड करना है हर एक एमसीक्यू को, और उसके बाद आप अपना आंसर्स पुट करेंगे. एग्जाम के अंदर जो हम माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो यही करते हैं कि एमसीक्यू को केयरफुली रीड आउट नहीं करते हैं. एमसीक्यू केयरफुली रीड करना बहुत नेसेसरी है. लाइक ये बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि वॉट आर द जोन ऑफ द सर्जिकल इन्वायरमेंट एक्सेप्ट. यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है आपसे. जब भी एमसीक्यू के अंदर एक्सेप्ट वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग है कि थ्री जो पॉइंट है वो करेक्ट है एंड वन इज नॉट करेक्ट. सो यू हैव टू बी आइडेंटिफाई कि थ्री पॉइंट करेक्ट वाले कौन से हैं और कौन सा है जो इसमें नहीं होता है, वो हमें निकालना है, यहाँ पे आउट करना है. तो हम वन बाय वन देखते हैं. यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की बात करें, अवर ऑपरेशन थिएटर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स और थ्री जोन. From this side you are entering in the operation theater. So सबसे पहले हम बात करेंगे जो first area आएगा जिसको हम बोलेंगे unrestricted zone. Second area जिसको हम बोलेंगे semi-restricted zone. और third area जिसको हम बोलते हैं restricted zone. Three zone जो आपको याद रखने हैं. Exam में यहां से अगर MCQ पूछा जाएगा तो आपको ये तीन जोन याद रखने हैं. वी हैव द अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, वी हैव द सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन एंड वी हैव द रेस्ट्रिक्टेड जोन. इन अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, मीनिंग ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड जोन कि इस एरिया के अंदर, इन दिस एरिया यू कैन मूव इन योर ओन क्लॉथिंग्स, अपने कपड़ों में अपने जूतों में आप अनरेस्ट्रिक्टेड जोन में मूव. यहाँ पे आपके चेंजिंग रूम अवेलेबल होंगे, आपके सुपरवाइजर के रूम अवेलेबल होंगे, जितने भी सुपरवाइजर के रूम होते हैं वो सारे यहीं रहेंगे, और आपका प्री ओप एरिया भी हम यहीं पे बनाएंगे. सेकंड पार्ट आता है सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन.
सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन मींस कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। आप अपने घर के क्लॉथ्स में अंदर नहीं जा सकते, आपको अगर जाना है तो केप, मास्क एंड गाउन या फिर ओटी ड्रेस पहन के ही जाना होगा। यू हैव टू वियर द ऑपरेशन थिएटर ड्रेस, यू हैव टू वियर द कैप एंड मास्क एंड स्लीपर्स। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन। इसके अंदर आपका पोस्ट ऑप एरिया होगा, पोस्ट ऑपरेटिव एरिया यहाँ प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कुछ और एरिया जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लाइक आपका सीएसएसडी रूम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे सेंट्रल स्टराइल इक्विपमेंट की सप्लाई होती है वो प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा स्पेसिफिकली आपके जो रेस्ट रूम होते हैं वो भी आपके सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन में होंगे, जहाँ पे आप लोग इन बिटवीन चाय कॉफी पीने के लिए जब आप आएंगे कि भाई थक गए आज ओटी से बहुत ज्यादा, पूरा दिन सुबह से काम कर रहे हैं, अब बहुत थकान हो गई है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, तो आप अपनी ओटी की ड्रेस में ओटी से बाहर नहीं जा सकते चाय पीने के लिए। आप ऑपरेशन थिएटर के क्लॉथिंग्स के अंदर ओटी से बाहर अलाउड नहीं होते हैं। सो वी हैव वन रेस्ट रूम, हमारे यहाँ पे रेस्ट रूम होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चाय कॉफी वहां बैठ के पी सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्ट रूम। और यहीं पे हमारे रिकवरी या पोस्ट ऑप अवेलेबल होगा। उसके अलावा आगे आता है रेस्ट्रिक्टेड जोन। अरे रेस्ट्रिक्टेड जोन का सिंपल सा मीनिंग है कि कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन है कि हर कोई वहां अलाउड नहीं है, वहां वही अलाउड होगा। इन रेस्ट्रिक्टेड जोन द पर्सन इज अलाउड, द ओनली पर्सन इज अलाउड जो क्या करेगा, कंप्लीटली स्क्रब पहनेगा, ओटी का पूरा कपड़ा स्क्रबिंग करेगा, पूरा स्क्रब पहनेगा, केप मास्क जो आपके जो भी वहां से ओटी की चप्पल जो भी मिलेगी आपको वो वियर करी है, तभी आप इस एरिया में जा सकते हैं। और इस रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर आपका ऑपरेशन थिएटर होगा और हैंड वॉशिंग करने के लिए सिंक स्टेशन, स्क्रब स्टेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। अरे इसीलिए इसको क्या बोला, रेस्ट्रिक्टेड जोन, की कोई भी आलतू फालतू इधर मूवमेंट नहीं कर सकता है रेस्ट्रिक्टेड जोन में। ओनली जो पर्सन अलाउड है वही आ जा सकते हैं, बाकी किसी को आना जाना अलाउड नहीं है। तो ये होगा आपका रेस्ट्रिक्टेड जोन। तो हमारा इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास अनरेस्ट्रिक्टेड जोन प्रेजेंट होता है, सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है, बट द पेशेंट जोन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑपरेशन थिएटर। ओटी के अंदर कोई भी पेशेंट जोन अवेलेबल नहीं होता है। और पेशेंट जोन जो है हम बात करें तो प्री ओप हमारा यहाँ पे होता है, पोस्ट ओप यहाँ होता है, सेपरेटली कोई ऐसा पेशेंट जोन के नाम से कोई जोन हमने बनाया हुआ नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, पेशेंट जोन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर ऑपरेशन थिएटर। क्लियर है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जो है जीत के दिखाएंगे, बिल्कुल JINC जो है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। और जो एक स्पेसिफिक दो लाइन थी जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ यहाँ के हमारे JINC के जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको, और वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो पहली बार मेरी क्लास लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी जो स्पेसिफिक दो लाइन जो मैं सभी के लिए बोलता हूँ कि हम किसी के भरोसे नहीं जीते, कि हम किसी के भरोसे नहीं जीते, अपने दम पे आग लगाएंगे, सारा तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा के ले आएंगे। सो इसी के दो पॉइंट के साथ, इन्हीं दो स्पेसिफिक लाइन के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को कि हम किसी के सहारे नहीं जीते, हम अपने ही दम पे, JINC अपने ही दम पे यहाँ पे रहता है, अपने ही दम पे यहाँ पे पूरा वर्क करता है, किसी का कोई सहारा नहीं लेते हम, और अपने ही दम पे हर चीज हम आपके लिए करके दिखाएंगे। तो अगला पॉइंट है आपका, जो हम लेआउट की बात कर रहे थे, इन लेआउट वी हैव द आउटर जोन, दिस आउटर जोन इज आल्सो नोन एज अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, अनरेस्ट्रिक्टेड जोन। वी हैव द क्लीन जोन, दैट इज सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन, और वी हैव द रेस्ट्रिक्टेड जोन जिसको हम बोलते हैं स्टराइल जोन या रेस्ट्रिक्टेड जोन, स्टराइल जोन या रेस्ट्रिक्टेड जोन। तो ये हमें याद रखना है, थ्री जोन हमारे ओटी के अंदर होते हैं। लेआउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द लेआउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, योर आंसर शुड बी आउटर जोन और द अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, द क्लीन जोन और द सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन, एज वेल एज द रेस्ट्रिक्टेड जोन, और आपका स्टराइल जोन जो है आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट MCQ, रीड द ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली। आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली कि आज के जितने भी MCQs हैं, बहुत सारे आपको उनमें नए MCQ मिलेंगे और बहुत सारी नए नए पॉइंट्स आप लर्न करके आज जाएंगे। सो हर एक पॉइंट, हर एक MCQ को बहुत केयरफुली रीड करें,
हर एक एमसीक्यू को आपको बहुत केयरफुली रीड करना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, अपना आंसर्स पुट करना है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक और नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू, एग्जाम में 100% आपको पूछा जाएगा। तो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीड करें इस एमसीक्यू को और आंसर्स पुट करें कि क्या करेक्ट आंसर होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, हर एक एमसीक्यू को रीड करना है बहुत केयरफुली और उसके बाद आपको जो है आंसर्स पुट करना है क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये आपको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सारे के सारे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के कंपोनेंट होते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मींस कौन सा नहीं होता है। व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, दैट्स द एग्जामिनर विल आस्किंग यू। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन आवर ऑपरेशन थिएटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट व्हिच नॉट प्रेजेंट इन आवर ऑपरेशन थिएटर। देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा है कि लेमिनार फ्लो सिस्टम। अरे मैंने क्लास स्टार्ट करते टाइम ही बोला था कि हम हेपा फिल्टर यूज करते हैं, उसके साथ में लेमिनार फ्लो के थ्रू ही आपका एयर ओटी के अंदर एंटर होता है। सो जब भी हम बात करें, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, द लेमिनार फ्लो इज द मस्ट, दैट इज द मस्ट ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। दूसरा पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉर्नर फ्री ओटी रखते हम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, कॉर्नर फ्री। कॉर्नर फ्री का मतलब होता है कि नॉर्मली हमारे घर पे आप देखोगे तो हमारा कॉर्नर जो घर बनता है वो इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे बनाया जाता है, लेकिन जब हम ओटी की बात करें, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की बात करें, तो वहां पे हम इस तरह से कॉर्नर नहीं बनाते, वी फॉर्म द ओटी लाइक दिस। इसमें ऑपरेशन थिएटर में आपको इस तरह की वॉल मिलेगी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में, और इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री एंगल का कॉर्नर प्रेजेंट नहीं होगा, और कॉर्नर नहीं होगा तो यू विल क्लीन दिस एरिया वेरी इजीली, बट इन दिस द बैक्टीरियल ग्रोथ विल बी देयर। यहाँ पे क्या हो सकती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है अगर कॉर्नर प्रेजेंट होगा। तो इसी पर्पज के लिए ऑपरेशन थिएटर जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है उनको हमने क्या बनाया, वी प्रिपेयर्ड द कॉर्नर फ्री। नेक्स्ट लिखा है एंटी स्टेटिंग फ्लोरिंग। दो पॉइंट तो प्रेजेंट होते हैं आपके मॉड्यूलर ओटी में, थर्ड पॉइंट लिखा है एंटी स्टेटिक फ्लोरिंग। एंटी स्टेटिक फ्लोरिंग का मींस है, स्टेटिक का मींस होता है, पहले आपको समझना है व्हाट इज द स्टेटिक। स्टेटिक का मींस होता है कि जब आप किसी सरफेस पे इस तरह से मूव करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, और फ्रिक्शन करने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपने देखा होगा कि बहुत बार आप किसी पर्सन को टच करते तो आपको सडनली शॉक फील होता है, अरे करंट आया। वो शॉक जो फील होता है दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब हम फ्रिक्शन करते हैं उसकी वजह से क्या फील होता है, आपको शॉक फील होता है, और इन फ्रिक्शन की वजह से जो आपको शॉक फील होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटिक। वो क्या है, आपका स्टेटिक पावर, दैट इज द ड्यू टू फ्रिक्शन। नाउ यहां लिखा है एंटी स्टेटिक फ्लोरिंग। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये एक मस्ट प्रिंसिपल होता है कि जो आपका फ्लोर है उस पे फ्रिक्शन की वजह से शॉक जनरेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ओटी के अंदर इतने सारे इक्विपमेंट है और वो सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में फायर हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, शॉक की वजह से जो आपका शॉर्ट सर्किट होके फायर हो सकता है। और इसी प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटी स्टेटिक फ्लोरिंग बनाई जाती है मॉड्यूलर ओटी के अंदर। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। बट पॉइंट जो लिखा है वो ये लिखा है कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अरे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को समझो थोड़ा, इसको आप सोच के भी आंसर दे सकते थे कि जब ऊपर लेमिनार फ्लो लिखा है तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग दोनों साथ में कैसे हो सकता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का मीनिंग होता है कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल के अंदर जो एयर सप्लाई होती है वो सब डक्ट लगी होती है चारों तरफ मॉल में, और उसका प्लांट कहीं और लगा होता है, उस एक ही प्लांट से सब जगह एयर सप्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। बट इन ऑपरेशन थिएटर हर एक ओटी का एयर फ्लो सेपरेट होता है, सेंट्रल नहीं होता है,
एक ही पार्ट से सप्लाई नहीं होती है, हर ओटी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है सप्लाई होता है वो सेपरेट होता है। सो दिस इज द डी पॉइंट विच नॉट द कंपोनेंट ऑफ आवर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। जो डी पॉइंट लिखा है वो हमारी ओटी के अंदर नहीं होता है मॉड्यूलर ओटी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो हर एक पॉइंट मैंने बोला था कि आप लोग बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर पढ़ के आए होंगे, ओटी पढ़ेंगे, आपने इमरजेंसी भी पढ़ा होगा, बट आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेगी जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला एमसीक्यू की ओर। हर एक एमसीक्यू ये डिफरेंस आ गया आपका, डिफरेंस बिटवीन द मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एंड ए कॉन्वेंशनल यानी जनरल ऑपरेशन थिएटर, नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर, नॉन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, नॉन और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने पुट किया है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन। तो आंसर यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए मैंने सारे कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट पॉइंट यूजेज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश एयर एंड रिसाइकल्ड एयर। जो आपकी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होती है उसके अंदर जो एयर फ्लो कराई जाती है उसको हम बार बार क्या करते हैं, रिसाइकल करके बैक्टीरियल फ्री बनाते हैं। बैक्टीरिया से उसको बार बार रिसाइकल करके क्या बनाएंगे, फ्री बनाएंगे। लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ फ्रेश एयर अंदर की ओर मूव करेगी, उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है और उसकी वजह से आपके पेशेंट में क्या हो जाता है, ओटी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं कॉन्वेंशनल ओटी के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट, ईच मॉड्यूलर ओटी हैज अ डिफरेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हर एक ओटी के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा इफ यू आर इन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बट इफ यू आर इन नॉर्मल ओटी द नो लेमिनार एयर फ्लो सॉरी यूजेज ए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा जिससे सारी पार्ट में एयर सप्लाई की जाएगी। सो आपको याद रखना है मॉड्यूलर ओटी में डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर ओटी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे कन्वेंशनल ओटी के अंदर एक ही सिस्टम होता है जो सारी ओटी को क्या करता है, एयर सप्लाई करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेमिनार एयर फ्लो। आपका यहाँ पे फ्लो किसके थ्रू होगा, तो लेमिनार एयर फ्लो होगा, बट इन दिस कंडीशन यू हैव नो लेमिनार एयर फ्लो। यहाँ पे कोई भी लेमिनार एयर फ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉर्नर फ्री वॉल, अभी बताया था मैंने वॉल की बात करेंगे तो इस तरह से कॉर्नर फ्री होगी, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल कॉर्नर रहेंगे, 90 डिग्री एंगल के कॉर्नर प्रेजेंट रहेंगे कॉन्वेंशनल ओटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग। एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग मींस अगर आपका फ्रिक्शन भी होता है फ्लोर के ऊपर तो उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, यहां पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है, लेकिन इधर आपका नॉर्मल वेंटिलेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एंड ए कॉन्वेंशनल ऑपरेशन थिएटर। अरे लेमिनार मींस एक स्पेसिफिक, लेमिनार का मींस होता है लाइक दिस, एक इस तरह का स्पेसिफिक चेंबर है, दिस इज द लेमिना, इसी के थ्रू एयर आपकी सप्लाई होगी नीचे, इसको हम बोलते हैं लेमिना। इस तरह की एक लेमिना है जिसके थ्रू एयर आएगी और फिर आपकी स्प्रेड होगी ओटी के अंदर, दैट इज द लेमिनार फ्लो। लास्ट पॉइंट के अंदर, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रेजेंट इन आवर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बट यहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीड करें इस एमसीक्यू को भी और आंसर्स पुट करें। हर एक एमसीक्यू आपके आने वाले नोट से 2022 का एमसीक्यू है, सो एमसीक्यू को पढ़ें और उसके बाद में आंसर्स पुट करें। बिल्कुल आपको हर एक क्वालिटी कंटेंट जो है यहां से प्रोवाइड किया जाएगा, इट मे बी ऑन एमसीक्यू बेस, इट मे बी इन फुल कोर्स और इट मे बी ऑन JINC यूट्यूब चैनल। YouTube चैनल के ऊपर भी आपको वही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो हम आप लोगों को फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू बेच हर जगह प्रोवाइड करते हैं। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा कि आपको
हलवा हलवा ऊपर से खिला देगी, अच्छा अच्छा खा लो, और बाद में जब आपको हम जब स्टडी स्टार्ट करो आप यहाँ पहुंच के, तो आपको लगे कि यार वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर एक बैच के अंदर आपको सेम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और यही JINC का स्पेसिफिकेशन है कि वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट, एवरी एस्पेक्ट में हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगला ऑपरेशन थिएटर का एक और MCQ आपसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट आर डिस्क्राइबिंग फैक्टर्स ऑफ एन अनरेस्ट्रिक्टिंग जोन इन सर्जिकल एनवायरमेंट, और वी कैन से OT, OT के अंदर अनरेस्ट्रिक्टेड जोन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है। अनरेस्ट्रिक्टेड जोन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको याद होगा, बिफोर फ्यू मिनट्स अगो आई टेल्ड यू कि जो आपका अनरेस्ट्रिक्टेड जोन है वहां पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, रेस्ट्रिक्टेड जोन में क्या होगा, और जो आपका सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन है उसमें क्या होगा। तो पॉइंट के साथ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की, जहां पे स्क्रब्स एंड स्क्रब के आउटसाइड ऑफ OR रूम, तो ये जो स्क्रब और जो स्क्रब साइड जो भी कब प्रेजेंट होते हैं, ये सारे कहाँ होंगे, रेस्ट्रिक्टेड जोन में होंगे, ये आपके अनरेस्ट्रिक्टेड जोन में प्रेजेंट नहीं होंगे। सो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, रेस्ट्रिक्टेड जोन में। स्क्रब आप पहन के जाएंगे, केप मास्क एंड फुट सब फुट बॉडीज या फुट वियर्स आप करके जाएंगे, ये भी आपको किसमें पहन के जाना है, रेस्ट्रिक्टेड जोन में या सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन में। एनीवेयर स्ट्रीट क्लॉथ और प्री ऑप, आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने स्ट्रीट घर के कपड़ों में जा सकते हैं, और साथ में प्री ऑप भी अवेलेबल होता है जहां पे, वो एरिया क्या होता है। तो यही तो मैंने बताया था आपको कि दिस इज द एरिया जिसको हम बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, जहां पे आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मालिक कैसे भी घूम सकते हो, अपने घर के कपड़े पहन के गए घूम रहे हैं, प्री ओप के अंदर आपका पेशेंट जो लेटता है, अपने स्ट्रीट की क्लॉथिंग्स में आप घूम रहे हैं कहीं भी इधर उधर, तो वो एरिया सिर्फ कौन सा होता है, दैट एरिया इज कंसिडर्ड एज द अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, अनरेस्ट्रिक्टेड जोन आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट लिखा इन द वेटिंग रूम, जो वेटिंग रूम होता है वो हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के आउटसाइड होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर। सो डी जो है वो आपका आउटसाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अनरेस्ट्रिक्टेड जोन मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, कि भाई आप कहीं भी इधर उधर घूम रहे हो स्ट्रीट क्लॉथ्स में, प्री ओप में जो प्रेजेंट है वो सारा आपका जो है वो कहाँ रहेगा, आंसर होगा अनरेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस क्वालिटी कंटेंट इज आल्सो अवेलेबल इन आवर बुकलेट्स आल्सो, जो हमारी बुकलेट जो अवेलेबल है उसके अंदर भी आपको ये क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में विद MCQ सीरीज। सो अभी जस्ट लॉन्च हुआ था कुछ ही टाइम पहले, तो आप जो MCQ विद थ्योरी जो बुक है हमारी, जो क्वालिटी कंटेंट के लिए रिकॉग्नाइज्ड बुक है, आप उस बुक को भी बाय कर सकते हैं, JINC ऐप को डाउनलोड करके वहां से जाके आप इस बुक को भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे, अगला MCQ हमारा, अगला MCQ, रीड द MCQ वेरी केयरफुली एंड देन पुट योर आंसर। बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहें। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट MCQ की, और अगला MCQ आपका ऑपरेशन थिएटर से, नेक्स्ट MCQ आपका ऑपरेशन थिएटर का अगला MCQ, जिसको अच्छे से रीड करें और हम बात करेंगे इसकी कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, MCQ में क्या लिखा है उसको भी देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीड द MCQ वेरी केयरफुली और आंसर्स पुट करें। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड द स्क्रबिंग बिफोर पेंटिंग फॉर सर्जरी। अरे दो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, वन इज द स्क्रबिंग एंड सेकंड इज द पेंटिंग, स्क्रबिंग और पेंटिंग दो पॉइंट लिखा है। तो स्क्रबिंग का मीन्स होता है साबुन से जो हम हाथ वॉश करते हैं OT में, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रबिंग। यहाँ पे लिखा है कि पेंटिंग करने से पहले पेशेंट के ऊपर स्क्रबिंग हमें कौन सी सर्जरी में करनी है, इन विच टाइप ऑफ सर्जरीज यू रिक्वायर्ड स्क्रबिंग विथ सॉप एंड वाटर,
बिफोर पेंटिंग विद बीटाडीन, बीटाडीन से पेंट करने से पहले कौन से केस में आपको क्या करना है, स्क्रबिंग भी परफॉर्म करना है। तो स्क्रबिंग जो करते हैं हम उसकी अगर बात करें, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें, दिस इज द स्क्रबिंग एंड दिस इज द पेंटिंग। ऑलवेज रिमेंबर, हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेनली हमेशा परफॉर्म करते हैं पेंटिंग। आप बीटाडीन 10% को यूज करके बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं और उस एरिया को क्लीन करते हैं, क्लीन बनाते हैं। बट समटाइम यू रिक्वायर्ड स्क्रबिंग बिफोर पेंटिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद पेंटिंग करते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस, इसमें ऐसा क्या है कि हमें पहले स्क्रबिंग करना है फिर पेंटिंग करना है। कॉन्सेप्ट है, स्क्रबिंग हमें रिक्वायर्ड होगी कि ऐसे केस जिसमें इन्फेक्शन मेजर कॉसन है, मेजर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन का कंसर्न बहुत हाई है, ऐसा कोई भी सर्जरी जहां पे इन्फेक्शन जो है बहुत ही आपको मेजर इश्यू लग रहा है, लाइक हर इस सर्जरी में इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। बट जब हम बात करें टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जब आपने THR सर्जरी किया है, और अगर THR सर्जरी की बात करें तो इट इज वेरी कॉस्टली विथ ए पेशेंट हैविंग इन्फेक्शन इन द इम्प्लांट। अगर आपका इम्प्लांट इन्फेक्शन में आ गया तो आपको इम्प्लांट को निकाल के नया इम्प्लांट डालना पड़ेगा, क्योंकि हिप को आपने पहले वाली को तो कट कर दिया, नया डाला हुआ इन्फेक्टेड हो गया, अब नया डालना पड़ेगा, पेशेंट को डबल वार चार्ज लगेगा। सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस, ऐसे कोई भी केसेस जहां पे इन्फेक्शन बहुत मेजर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है या इन्फेक्शन का बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, उन केसेस में हम पहले क्या करते हैं, स्क्रबिंग लाइक THR, TKR, कार्डियक सर्जरी जितनी भी हम करते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी जो होती है, उन सभी में आप पहले क्या करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द पेंटिंग। और बाकी सर्जरी लाइक MRM में हम स्क्रबिंग मेजर OT में नहीं करते हैं, पेशेंट को घर से ही बोलते हैं या वार्ड से ही बोलते हैं कि बात करके आना, नहा के आना है। उसके अलावा ओरल सर्जरी में और बेड सोर डिब्राइटमेंट है तो वहां पे हम बीटाडीन के थ्रू उनको क्लीन करते हैं, स्क्रबिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज सी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो प्रोसीजर है यहाँ पे इन्फेक्शन एक बहुत मेजर कंसर्न है, और इसी वजह से आप क्या करते हैं यहाँ पे, इन दिस केस यू स्क्रब बिफोर गोइंग फॉर पेंटिंग। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट स्क्रबिंग, यहाँ मेंशन किया है कि स्क्रबिंग क्या होता है। तो स्क्रबिंग हम दो टाइप से करते हैं, एक आप भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब आप हैंड वॉशिंग करने जाएंगे तो आप भी स्क्रबिंग करेंगे, और दूसरा पेशेंट के ऊपर भी आप स्क्रबिंग करेंगे। दोनों पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट स्क्रबिंग के अंदर, स्क्रबिंग इज द प्रोसीजर विच यूज टू रिड्यूस द चांस ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। MRM इज द मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करना MRM बोला जाता है। MRM इज द मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। सो हम बात करें यहां पे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या SSI को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या परफॉर्म करेंगे, स्क्रबिंग यहां परफॉर्म करेंगे। दूसरा पॉइंट, मेनली यूज इन हाई रिस्क केसेस फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऐसे केस जहां पे हाई रिस्क है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इन दैट टाइप ऑफ केसेस वी यूज द सर्जिकल सॉरी स्क्रबिंग, यहाँ पे सर्जिकल स्क्रबिंग आप यहाँ करेंगे। अगला पॉइंट, द क्लोरेक्सिडिन और द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इज यूज फॉर स्क्रबिंग। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर एक बोतल आती है कॉमनली जिसको हम बोलते हैं सेवलोन, सेवलोन आपने बहुत बार देखा होगा, वो जो सेवलोन हम यूज करते हैं उस सेवलोन का पर्पज यही होता है, आप क्या कर रहे हैं उसको लगा के स्क्रब कर रहे हैं और उसको क्लीन करके फिर हम उस पर पेंटिंग करते हैं। तो जो सेवलोन या उसके अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज द क्लोरहेक्सिडिन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरहेक्सिडिन जो हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे पेशेंट पे स्क्रबिंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, अगला MCQ पढ़ते हैं क्या लिखा है MCQ अगला और आने वाले नॉट सेट MCQ क्या होगा। तो ये एक और सिंपल सा बट बहुत छोटा सा MCQ आपसे पूछा है, MCQ को बहुत केयरफुली रीड करें और उसके बाद अपना आंसर्स पुट करें कि क्या पूछ रहा है। ये बहुत छोटा सा MCQ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करता है, बिल्कुल डिटोल से भी कर सकते हैं, किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप कर सकते हैं।
इट शुड कंटेन क्लोरहेक्सिडिन, उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरहेक्सिडिन प्रेजेंट होना चाहिए। उस टाइप के किसी भी सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो यहां पे बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू की, तो बहुत सारों का आंसर जो है वो ए आ रहा है, बहुत सारों का आंसर बी आ रहा है, बाकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए गए आप लोगों ने। तो बिल्कुल हम भी आपकी तरह इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं कि डी लिखा है। पहले लिखा क्या है कि पेंटिंग और स्क्रबिंग इज यूज्ड टू, आप ओटी के अंदर पेंटिंग और जो स्क्रबिंग करते हैं उसका क्या पर्पज है, क्यों यूज करते हैं उसको, कि आप हेल्प इन स्मूथ स्किन इंसिजन, तो स्किन इंसिजन स्मूथली हो या नहीं हो उसका कोई रोल नहीं, हो तो ब्लेड से करेंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉट इसेंशियल, तो इट इज मस्ट है, इसेंशियल है, ये तो हमें चाहिए होता है। तो ये दो तो क्या हो गए आपके गलत। अब आते हैं आपके पास दो पॉइंट कि इट विल स्टराइल द एरिया और इट विल क्लीन द एरिया। जब हम पेशेंट की बॉडी पे पेंटिंग और स्क्रबिंग करेंगे तो उससे एरिया स्टराइल हो जाएगा या एरिया क्लीन हो जाएगा। तो आप माइंड में एक पॉइंट फिक्स कर लें, अरे एक पॉइंट माइंड में फिक्स कर लें कि अगर आपको किसी को स्टराइल करना है, अगर आपको पेशेंट की बॉडी को स्टराइल करना है तो उसको किस में डालना पड़ेगा, ऑटोक्लेव मशीन में डाल के 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए उसको रन करो, तब पेशेंट क्या होगा, स्टराइल होगा। आपके पेंटिंग और स्क्रबिंग करने से बॉडी पार्ट कभी भी स्टराइल नहीं होता है। Our body part never be sterile, हम उसको कभी भी स्टराइल नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग का जो बॉडी पार्ट है वो हैंड वॉश करने से स्टराइल नहीं होता है। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द क्लीन, क्या कंसिडर करेंगे हम बॉडी पार्ट को, क्लीन कंसिडर करेंगे। तो आपका यहाँ आंसर भी क्या होगा कि पेंटिंग और स्क्रबिंग करने से हम इसको बोलेंगे कि पार्ट क्लीन बन गया, इट शुड नॉट बी स्टराइल, ये कभी भी स्टराइल पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए आंसर क्या है आपका यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन बींग की बॉडी को स्टराइल नहीं किया जा सकता है। आप ह्यूमन बॉडी को स्टराइल करने जाओगे वो कभी पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन बींग बॉडी स्टराइल हो जाए, उसको लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। अब ऑटोक्लेव तो कैसे करोगे बॉडी को, पेशेंट को कैसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल के उसको ऑटोक्लेव करोगे। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, द बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज बी, the clean the area, it should not be sterile। next mcq आपकी स्क्रीन के ऊपर, next mcq which is also from operation theater, a patient suffering with cancer of pancreas What is the recommended number of scrub nurse for this procedure? एक और MCQ आपसे पूछा है, बहुत ही सिंपल सा MCQ आपसे पूछा है। Read the MCQ very carefully. एक important MCQ, but एक और concept यहाँ से हम देखेंगे और इसको भी आपको समझना है। बिल्कुल 1 करोड़ का MCQ था और इसीलिए आपके patient को sterile करने के लिए आपको autoclave machine में नहीं डालना है, autoclave machine में नहीं डालना है तो पेशेंट पूरी तरह से जल जाएगा। तो एक और एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक और नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको रीड करें और अपना आंसर पुट करें। एमसीक्यू आपसे क्या पूछ रहा है केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर पुट करना है। तो एक फेमस शायर ने बोला था कि मंजिल को बुला के जिया, मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो इसको पाके दिखा। मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो इसको पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी सफलता की कामयाबी और बोल दे अब दम है तो इसको मिटा के दिखा। तो ये एक फेमस शायर ने दो बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि भाई आप अपनी मंजिल जो है उसको बुला के जियोगे तो क्या जीना, आपको उसके लिए क्या करना है, अपनी जो सफलता है आपकी जो कामयाबी उसको खून से लिख के उसको बोलो कि अब तेरे में दम है तो वापस मिटा के दिखा दे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा है कि अ पेशेंट सफरिंग विद कैंसर ऑफ पैनक्रियाज एंड प्लान फॉर विपल्स प्रोसीजर। विपल्स प्रोसीजर इज द पैनक्रियाटो ड्यूडिनो गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी जो हम करते हैं उसको बोलते हैं। और इसकी बात करें विपल्स प्रोसीजर की तो ये सीए पैनक्रियाज जिसमें हेड ऑफ पैनक्रियाज अगर अफेक्टेड है
हेड ऑफ पेनक्रियास. द विपल्स प्रोसीजर इज ऑनली परफॉर्म्ड व्हेन द हेड ऑफ द पेनक्रियास इज अफेक्टेड. और हेड ऑफ पेनक्रियास में कैंसर है तो हम पेनक्रेटो ड्यूडिनो गैस्ट्रेक्टोमी, पेनक्रियास ड्यूडिनम और स्टोमक का कुछ पार्ट को कट करके वापस एनास्टोमोसिस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विपल्स प्रोसीजर. व्हाट इज द रिकमेंडेड नर्स स्क्रब नर्स फॉर द दिस प्रोसीजर. आपको इसमें कितनी स्क्रब नर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछा है. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें बेड के अकॉर्डिंग, हमें ओटी टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ओटी टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपना रेशो मेंटेन करना है. ओटी टेबल के अकॉर्डिंग रेशो कैसे मेंटेन होगा, तो वी विल यूज 1:1 रेशो, 1 स्क्रब नर्स ऑन 1 ओटी टेबल, एक स्क्रब नर्स एक ओटी टेबल पे होगी. इफ केस इज माइनर केस, अगर आपका माइनर सर्जरी है तो आपको क्या करना है, 1:1 का रेशो मेंटेन करना है, 1:1 का रेशो मेंटेन करना है जब आपका केस कैसा हो, माइनर सा हो. माइनर सा जब अपन बात करें, लाइक आपने अपेंडिक्स सर्जरी किया, आपने पेशेंट में जो छोटा मोटा प्रोसीजर्स होता है अपेंडेक्टोमी किया या और कोई माइनर से प्रोसीजर्स किए, तो वो जो माइनर केस है उन माइनर केस में यू रिक्वायर्ड 1 स्क्रब नर्स ऑन 1 ओटी टेबल. बट इफ वी आर गोइंग फॉर द मेजर सर्जरीज लाइक विपल्स प्रोसीजर, जब हम विपल्स प्रोसीजर की बात करें तो विपल्स प्रोसीजर इज द मेजर सर्जरी. ये एक मेजर सर्जरी है, बड़ा केस होता है, और जब हम मेजर केस की बात करें तो 2 स्क्रब नर्स ऑन 1 ओटी टेबल, एक ओटी टेबल पे आपको 2 स्क्रब नर्स जो है वो मेंटेन करना होता है. सो 2:1 का रेशो जो है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है कि 2 स्क्रब नर्स इज रिक्वायर्ड ऑन 1 ओटी टेबल इफ वी आर गोइंग फॉर एनी मेजर सर्जरी. एंड इफ वी आर गोइंग फॉर ए सिंपल माइनर केस, इन दैट केस यू रिक्वायर्ड 1:1. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1:1 का रेशो मेंटेन करना है जब माइनर सर्जरी हो, और 2:1 का रेशो मेंटेन करना है जब आपके पास मेजर केस हो. तो यहाँ पे 1 नर्स पर ओटी टेबल, ये कब होगा, जब आपका केस कौसा होगा, माइनर सर्जरी होगा, और इट इज नॉट माइनर, इट इज मेजर सर्जरी. और दिस इज द आंसर बी, आपको 2 नर्सेस पर ओटी टेबल रिक्वायर्ड होगी जब आप क्या करते हैं, मेजर सर्जरी लाइक विपल्स प्रोसीजर, सीटीवीएस सर्जरी और एनी अदर कमांडो सर्जरी. तो जो मेजर सर्जरीज में आप जब सर्जरी करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड होते हैं 2, और जब आप माइनर प्रोसीजर करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड होता है 1. लिख ले एग्जाम में क्वेश्चन, फिक्स लिख ले, माइंड में फिक्स कर दे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ओटी के अंदर क्या रेशो नर्स स्क्रब नर्स और ओटी टेबल का होता है, तो आंसर होगा इन माइनर केसेस वी यूज 1:1 रेशो, एंड इन मेजर केसेस वी यूज 2:1. आप 2:1 का रेशो मेंटेन करते हैं मेजर केसेस में, और माइनर में आपका 1:1 का रेशो मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको स्टार्टिंग के अंदर ही, बिल्कुल कमांडो सर्जरी भी होती है. कमांडो इज अ टाइप ऑफ सर्जरी विच इज नॉन एज द कंबाइंड मैंडिबुलेक्टोमी एंड नेक डिसेक्शन ऑपरेशन. अरे उनको के अंदर बहुत बार पढ़ाया था, कंबाइंड मैंडिबुलेक्टोमी एंड नेक डिसेक्शन ऑपरेशन, दैट इज द कमांडो. कमांडो इज द कंबाइंड मैंडिबुलेक्टोमी एंड नेक डिसेक्शन ऑपरेशन. अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट एमसीक्यू. जितने भी एमसीक्यू आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हर एक एमसीक्यू जो है आपको आने वाले नॉट सेट 2022 में मिलेगा. सो हर एक एमसीक्यू को आपको अच्छे से पढ़ना है. अरे कमांडो इज ए टाइप ऑफ सर्जरी दैट इज कंबाइंड मैंडिबुलेक्टोमी एंड नेक डिसेक्शन ऑपरेशन. दिस इज द सी ओ एम कम, फिर अगेन एम सी ओ डबल एम ए एन डी ओ, दिस इज द कमांडो. सो इस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कमांडो. इसको हम सर्जरी को बोलते हैं कमांडो, जहां पे हम मैंडिबुलेक्टोमी भी करते हैं, नेक डिसेक्शन भी करते हैं, दोनों को कंबाइंडली क्या बोलेंगे, कमांडो. तो कंबाइंड मैंडिबुलेक्टोमी एंड नेक डिसेक्शन ऑपरेशन, दैट इज द कमांडो सर्जरी. अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फैक्ट फॉलोइंग एस्पेक्ट अबाउट पेंटिंग.
पेंटिंग जो हम करते हैं हॉस्पिटल में बीटाडीन से आप जो पेंटिंग करते हैं उसकी बात की जा रही है। एस्पेक्ट अबाउट द पेंटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू प्रिवेंट द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। आप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, तो जल्दी से आंसर्स पुट करें। और बिल्कुल आपके लिए आने वाले नोरसेट 2022 की प्रैक्टिस के लिए इसी तरह के गोल्डन एमसीक्यू, इसी तरह के क्वालिटेटिव एमसीक्यू आपको मेगा टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है, जहां पे आपको नियर बाय 16 जो है आपको मॉडल टेस्ट पेपर और उसके साथ साथ में बहुत सारे मेगा टेस्ट जो उसके पेपर भी अवेलेबल है। तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी बाई कर सकते हैं ओनली एंड ओनली 999 में। तो वो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बिफोर गोइंग इन नॉर्सेट एग्जाम यू कैन बाई द मेगा टेस्ट सीरीज आल्सो, जिसमें इसी तरह के क्वालिटी के एमसीक्यू आपको मिलेंगे बहुत सारे। सारे एमसीक्यू कंप्लीट करना दिस इज नॉट पॉसिबल एट हियर, बहुत टाइम लगता है आप लोगों को भी पढ़ने में और हमें भी, पर उसको आप कंप्लीट करने के लिए क्वालिटेटिव नॉर्सेट जो आपका टेस्ट सीरीज है वो बाई कर सकते हैं। साथ में गोल्डन पॉइंट का जो ब्रह्मास्त्र आपको एक मिला है वो भी आप बाई कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र जो आपको मिला है। चलो आगे मूव करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पेंटिंग। इन ए लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बी द ब्रांड ऑफ सॉल्यूशन, और सी द साइट ऑफ बॉडी, और डी लिखा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड। तो बात करें हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, दैट इज ड्यूरिंग पेंटिंग वी यूज द 10% बीटाडीन। हम कौन सा बीटाडीन यूज करते हैं, 10% बीटाडीन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू आर नॉट यूजिंग 10%, इफ यू आर 5%, 1%, 2% बीटाडीन यूजिंग, दैट विल नॉट आपकी स्किन को पूरी तरह से क्लीन नहीं करेगा और आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो कंसंट्रेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, देन वी विल गो फॉर द अमाउंट, देन ब्रांड एंड साइट ऑफ द बॉडी इज नॉट इंपोर्टेंट। सो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट जो हम बात करें वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ए इज द करेक्ट आंसर। आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा A is the correct answer. The concentration of solution is most important whenever we are talking about the, जब हम बात करते हैं prevention of surgical site infection, तो हमारा answer क्या होगा यहाँ पे, concentration of solution. Next MCQ आपकी screen के ऊपर, ये painting के बारे में कुछ points लिखा हुआ है, only 10% painting के लिए हम use करते हैं 10% betadine, 5% जो है वो हम यूज करते हैं ओरल गार्गलिंग एंड वुंड क्लीनिंग के लिए आप यूज करते हैं 5% बीटाडीन, और 10% जो बीटाडीन है वो हम यूज करते हैं पेंटिंग के लिए। अगला पॉइंट कुछ लिखा है अबाउट पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है, तो आप इस इमेज को देख सकते हैं, दिस इज एन इमेज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। पेंटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, पेंटिंग के बारे में बात करें, तो जब भी आप पेंटिंग करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट पे कुछ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। पहला पॉइंट, बीटाडीन 10%, द बीटाडीन 10% इज यूज्ड फॉर द पेंटिंग एंड स्किन डिसइंफेक्शन बिफोर सर्जरी। आप पेंटिंग कर रहे हैं और स्किन से जो डिसइंफेक्शन वाला प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए 10% बीटाडीन ही यूज करेंगे, इससे लेस कंसंट्रेशन वाला बीटाडीन आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, पेंटिंग इज डन इन सर्कुलर मोशन बिगिनिंग विद द इनर इंसिजन साइट एंड वर्किंग आउटवर्ड वन स्पंज पर लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक। आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस एंड मूव पेरिफेरी, इस तरह से आप बाहर की तरफ जाएंगे और एक बार में एक स्पंज कंप्लीट करके डिस्कार्ड करेंगे, देन न्यू लेके वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी मोशन में आपको क्या करना है, पेंटिंग करना है पेशेंट का बॉडी पार्ट। जब हम बात करें पेंटिंग की, पेंटिंग जो आप करते हैं उसकी अगर अपन बात करें, तो 10% सॉल्यूशन इज यूज्ड एंड पेंटिंग इज डन इन सर्कुलर मोशंस बिगिनिंग विद द इंसिजन साइट एंड वर्किंग आउटवर्ड एंड वन स्पंज इज ओनली यूज फॉर वन लेयर ऑफ बीटाडीन पेंटिंग। एक लेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्पंज यूज करना है, उसके बाद में दूसरा
नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, अरे एक और एमसीक्यू आ गया आपका, ये भी एक गोल्डन एमसीक्यू है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आने वाले नॉर्थ से 2022 में ये 100% छपने वाला, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आएगा। सो बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, बट अगर आप पता है तो इजीली आंसर दे पाएंगे, अगर आपने पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रीड करें इस एमसीक्यू को, रीड करें इस एमसीक्यू को। अभी विल यूजुअली डन 4 to 5 times आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अरे सभी सर्जरी में का पेंटिंग करना है, नॉट ओनली इन कार्डियक सर्जरी, इन एवरी सर्जरी वी परफॉर्म द पेंटिंग। हर एक सर्जरी में आपको क्या करना है, पेंटिंग को परफॉर्म करना है। तो अगला एक और एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, क्या है ये एमसीक्यू, क्या लिखा है इसके अंदर, उसको रीड करें और आंसर्स पुट करें क्या करेक्ट आंसर होगा। आज हम ऑपरेशन थिएटर को पूरा ओपन करके रख रहे हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट रिलेटेड टू ऑपरेशन थिएटर आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो आने वाले नोट से 2022 में ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू अगर आता है तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे इस क्लास के बाद में। तो इस क्लास को केयरफुली अच्छे से कंप्लीट वॉच करें, हर एक पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे वॉच करें और उसके बाद आप आने वाले नोट से 2022 में एक भी एमसीक्यू जो है आप रॉन्ग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एस ड्यूटी ऑफ द स्क्रब्ड असिस्टेंट, आप स्क्रब नर्स हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में गए और आपने क्या किया, हैंड वॉशिंग किया, सब कुछ किया, गाउन पहन के खड़े हो गए, स्क्रब नर्स बन गए आप। अब आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि यह स्क्रब नर्स की ड्यूटी क्या होती है, वॉट इज द ड्यूटी ऑफ स्क्रब नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। मीन्स इन फोर पॉइंट में से आउट ऑफ दिस फोर पॉइंट वन इज द पॉइंट जो आपका स्क्रब नर्स की ड्यूटी है एंड अदर पॉइंट्स आर जो आपका इट मे बी सर्कुलेटरी नर्स और इट मे बी वार्ड बॉय और इट मे बी अदर पर्सनल इन ओटी। तो आपको यहाँ पे जब हम बात करें कि ड्यूटी ऑफ द स्क्रब नर्स या स्क्रब असिस्टेंट क्या होगी, तो आंसर्स आपके पास ऑप्शन नंबर ए टाई द गाउन ऑफ द सर्जिकल टीम, ऑप्शन नंबर बी असिस्ट इन पेशेंट ड्रेपिंग, ऑप्शन नंबर सी असिस्ट द एनेस्थीसिया और ऑप्शन नंबर डी हेल्प पोजिशन द पेशेंट ऑन टेबल। तो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट इन योर माइंड कि अगर आपने एक बार गाउन वियर कर लिया, एक बार आपने हैंड वॉशिंग करने के बाद में गाउन वियर कर लिया और आप ओटी के अंदर पूरी तरह से गाउन वियर करके स्ट्राइल फील्ड बना के खड़े हो गए, आफ्टर दैट आप सिर्फ अपने स्ट्राइल फील्ड को ही टच करेंगे, उसी फील्ड में प्रेजेंट रहेंगे आप, ना तो पेशेंट के पास जाएंगे, ना पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, ना उसको टच करना, ना इस्तीशा करना, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना स्टराइल फील्ड क्रिएट करना है, उसको लास्ट तक मेंटेन करना है, स्टरिलिटी को आपको लास्ट तक मेंटेन करना है। तो हेल्प द पोजीशन, पोजीशन की हेल्प करने के लिए स्क्रब नर्स नहीं होती है, सर्कुलेटरी नर्स क्या करेगी आपकी पोजीशन करने में आपकी हेल्प करेगी। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ सर्कुलेटरी नर्स। ऑप्शन नंबर बी असिस्ट द एनेस्थेटिक्स, तो इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी नर्स ही असिस्ट करेगी एनेस्थेटिक को। और तीसरा पॉइंट एनेस्थीसिया टीम जो सॉरी सर्जिकल टीम के जो गाउन है, जब हम गाउन को टाई करते हैं पीछे से तो वो क्लीन हो जाता है और वो भी कौन करेगा, आपका सर्कुलेटरी नर्स करेगा। बट जब हम बात करते हैं ड्रेपिंग की, असिस्ट इन पेशेंट ड्रेपिंग, ड्रेपिंग का मीन्स होता है पेशेंट को स्ट्राइल क्लॉथ से कवर करना, पेशेंट को जो स्ट्राइल क्लोथिंग्स आती है जिसके थ्रू हम कवर करके सर्जिकल साइट को ओनली ओपन रखते हैं, बाकी पूरा एरिया कवर करते हैं। और जो स्टराइल सीट से हमें कवर करना है, स्टराइल सीट सिर्फ सर्कुलेटरी नर्स नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रब नर्स ही आपको प्रोवाइड करेगा और वही उसको बनाएगा और वही उसको लास्ट तक मेंटेन करेगा। सो स्क्रब नर्स की ड्यूटी क्या है, हमारा आंसर होगा डी असिस्ट इन पेशेंट ड्रेपिंग इज द ड्यूटी ऑफ ए स्क्रब नर्स, ऑल अदर पॉइंट्स आर द पॉइंट फॉर सर्कुलेटरी नर्स। चले आगे, हमारा आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, असिस्ट इन पेशेंट ड्रेपिंग। आप क्या करेंगे, पेशेंट ड्रेपिंग के अंदर आप असिस्ट करेंगे, बिल्कुल। आप स्क्रब करते हैं, आप सर्कुलेटरी करते हैं, तो वो सारे प्रोसीजर्स आपको ध्यान रखने हैं, वो सारे प्रोसीजर्स माइंड में रखने हैं कि क्या हम करते हैं, क्या क्या आपको फॉलो करना है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पे कवर करने। तो ड्रेपिंग क्या होता है, वॉट इज ड्रेपिंग, आप देख सकते हैं दिस इज द ड्रेपिंग, ये जो हम स्टराइल
क्लॉथिंग्स लगाते हैं चारों तरफ, ये जो लगाया स्ट्राइल कवरिंग किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेपिंग। तो पेशेंट के ऊपर जो स्ट्राइल क्लॉथिंग्स हम पुट करते हैं, ये स्ट्राइल क्लॉथिंग्स जो आती है, इन स्ट्राइल क्लॉथिंग को हम लगाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वो ड्रेपिंग होता है। सो आपका ड्रेपिंग का मीनिंग क्या हो गया, कवरिंग द पेशेंट बॉडी विद द स्ट्राइल क्लॉथ, इट मे बी डिस्पोजेबल क्लॉथ और इट मे बी योर रीयूजेबल क्लॉथ, दोनों ही हो सकते हैं। तो डिस्पोजेबल क्लॉथ भी हो सकते हैं, रीयूजेबल भी हो सकते हैं, और इससे आप जो कवर कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेपिंग। और इसमें आप सिर्फ इस एरिया को एक्सपोज करोगे जहां पे आपको सर्जरी करनी है, बाकी पूरा एरिया क्या रहेगा, यहाँ पे कवर्ड रहेगा। तो ड्रेपिंग इज द प्रोसीजर ऑफ कवरिंग अ पेशेंट एंड सराउंडिंग एरियाज विद अ स्टराइल बैरियर। एक स्टराइल बैरियर के थ्रू जब हम पेशेंट को कवर करते हैं, जो भी स्टराइल बैरियर, जो भी स्टराइल क्लोथिंग से उसके जब हम कवर करते हैं, अरे कलर कुछ नहीं होता है, ड्रेपिंग का कलर कुछ नहीं होता है, ग्रीन कलर का मीन्स वो जो क्लोथिंग आती है दैट इज रीयूजेबल, और ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है दैट इज डिस्पोजेबल, हम इसको एक बार यूज करके डिस्कार्ड कर देंगे, और जो ग्रीन कलर में आता है उसको आप रीयूज करोगे, जो कपड़े से बना होता है इसको क्यों लगाते हैं, अरे भाई नर्सिंग किया है आपने, नर्स हो आप, इसको क्यों लगाते हैं, इसको लगाने का काम इसलिए क्योंकि हम सिर्फ इसी पार्ट में पेंटिंग किया है, बाकी किसी पार्ट में पेंटिंग, पेशेंट को पूरा यहां से लेके पूरा बिटाडीन में स्नान नहीं कराया, बिटाडीन में बाथिंग नहीं करवाई हमने, सिर्फ हमने जिस पार्ट पे सर्जरी करनी उसी को पेंट किया है, बाकी पार्ट के ऊपर आपके पेशेंट को हम स्ट्राइल क्लॉथ लगा देंगे ताकि वहां से कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल हमारे स्ट्राइल फील्ड में नहीं आए। दैट्स वाई वी आर कवरिंग दिस दिस इज जो दूसरा पार्ट है जिसपे पेंटिंग नहीं किया उसको कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हमने अभी देखे थे 3 पॉइंट वो सारे सर्कुलेटरी नर्स के ही रोल है, पेशेंट की पोजीशन करवाना, एनेस्थीसिया को सपोर्ट करना, उसके अलावा आपके जो टाई करना, गाउन को टाई करना, सैंपलिंग करना, सैंपल को लेबल करना, फाइल को मेंटेन करना, ये सारे के सारे रोल किसके होते हैं, सर्कुलेटरी नर्स के होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें कि प्राइमरली डन बाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्क्रब नर्स जो है वो क्या करती है, तो ये ड्रेपिंग को प्राइमरी कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी डन बाय द स्क्रब नर्स एंड अदर सर्जिकल टीम मेंबर, जो डॉक्टर्स और जो स्क्रब नर्स है दोनों मिलके आपका क्या करेगा, यहाँ पे ड्रेपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ड्रेपिंग इज प्राइमरली कंप्लीटेड और डन बाय द स्क्रब नर्स एंड जो टीम डॉक्टर की टीम है वो क्या करेगी, यहाँ पे कंप्लीट करेगी। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेशन थिएटर, और ये ऑपरेशन थिएटर की जो क्लास है उसकी अगर अपन बात करें तो ऑपरेशन थिएटर जो आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट की बात करें, ये क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा इफ यू आर वर्किंग इन ए, अरे सर्कुलेटरी नर्स इज ऑलवेज वन, सर्कुलेटरी नर्स का रेशो एक ही होता है, सर्कुलेटरी नर्स का कोई रेशो नहीं होता, एक ही सर्कुलेटरी नर्स होगा ओटी में, बस आपके स्क्रब नर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट कि ये क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इफ यू आर वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर यू मे बी हैविंग सम एक्सपीरियंस, बट वो जो पर्सन, वो जो स्टाफ, वो जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिसने आज दिन तक ओटी या आईसीयू में नहीं पैर रखा या काम नहीं किया है, उन सब की बात करें तो उन सभी के लिए ये पॉइंट जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे आपके लिए गोल्डन पॉइंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। यही क्वालिटी कंटेंट जेएनसी ई नर्सिंग की जो आपकी बुक्स है उसमें भी अवेलेबल है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, आप जेएनसी ऐप डाउनलोड करके वहां से। तो मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट लिखा है एक और एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक और नया एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे स्क्रब नर्स सर्कुलेटरी नर्स दोनों एक ही होते हैं, मैं एक दिन स्क्रब नर्स होता हूं एक दिन सर्कुलेटरी नर्स होता हूं। सो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल इसीलिए क्वालिटी कंटेंट वाली जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक्स हैं वो आप 2777 में JINC e-nursing ऐप में आप डाउनलोड करके, जिंक्स जोधपुर ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके इस नंबर से भी आप बाई कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे करके व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भेज के भी आप बाई कर सकते हैं। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक और नया कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है, वन न्यू कॉन्सेप्ट विच आई गिवन ऑन योर स्क्रीन, क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा पूरा, इसमें क्या ऐसा पॉइंट लिखा है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है।
सो दिस इज न्यू क्वेश्चन जो आपके लिए नया है. आप सोडा लाइम से बिल्कुल अवेयर होंगे बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. सोडा लाइम की अगर अपन बात करें तो आपके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको पता नहीं होगा. तो बात करें यहां पे कि अब्जॉर्ब एंड न्यूअर सोडा लाइम एब्जॉर्ब हाउ मच CO2 पर 100 ग्राम. तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि व्हाट इज सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है और इसका काम क्या होता है. तो सोडा लाइम इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल जो आपकी एनेस्थीसिया मशीन के अंदर लगाया जाता है एंड इसके थ्रू क्या होगी, जो भी पेशेंट CO2 को एक्सहेल करेगा उस CO2 को ये सोडा लाइम क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. दिस सोडा लाइम एब्जॉर्ब द गैसेस, स्पेसिफिकली ओनली द गैसेस में CO2 गैस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो रिमेनिंग गैस बचेगी उसमें सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा और पेशेंट को जो है हर ब्रीथ के साथ में फ्रेश ऑक्सीजन गैस मिले, उसके साथ में CO2 का मिक्सर नहीं हो. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम यूज करते हैं. सो दिस सोडा लाइम इज यूज टू एब्जॉर्ब द CO2 इन पेशेंट एक्सपिरेशन गैसेज. दिस सोडा लाइम इज अवेलेबल इन व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर में अवेलेबल होता है एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब द CO2 गैस इट विल चेंज इनटू पिंक कलर. नॉर्मली अगर अपन बात करें कि सोडा लाइम का कलर क्या होगा तो ये व्हाइट कलर का होगा एंड व्हेन वी सी दिस कंटेनर एज अ पिंक कलर, जब पूरा कंटेनर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मीन्स आपका व्हाइट कलर जो था वो पिंक में हो गया, मतलब पूरा का पूरा सोडा लाइम यूज्ड हो गया है, अब आपको इसको चेंज करना है. तो ये आपको देखना है सोडा लाइम को. तो सोडा लाइम की हम बात कर रहे हैं, व्हाइट कलर का सोडा जो है वो पिंक में चेंज हो जाएगा जब ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा. अब आपसे पूछा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कि अगर आप 100 ग्राम सोडा लाइम यूज करते तो कितना CO2 एब्जॉर्ब होगा. आंसर होगा द 15.5 लीटर CO2 विल बी एब्जॉर्ब पर 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम. हर 100 ग्राम सोडा लाइम के ऊपर आपका 15.5 लीटर जो है आपका क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा. 15.5 लीटर CO2 ये एब्जॉर्ब करेगा. तो इसका आंसर क्या होगा, D इज द करेक्ट आंसर कि द 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम एब्जॉर्ब द 15.5 लीटर एवरी टाइम. लीटर जो है आपका एब्जॉर्प्शन मिलेगा. तो दिस इज द आंसर जो आपको ध्यान रखना है. और ये आप देख सकते हैं दिस इज द चेंबर, ये आपको दिख रहा है दिस इज द चेंबर, तो नीचे आपको दिख रहा है ये चेंबर जो होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम चेंबर. दिस इज द सोडा लाइम चेंबर. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस चेंबर में क्या भरा हुआ है तो हमें आंसर देना है दिस इज द सोडा लाइम चेंबर. इसमें क्या फिल्टर्ड है, इसमें सोडा लाइम भरा हुआ है, सोडा लाइम चेंबर है. सो दिस इज द सोडा लाइम चेंबर जिसके अंदर आपका सोडा लाइम हम फिल करते हैं और ये पिंक कलर हो रहा है, मतलब इसका यूज जो है वो हो चुका है, इसको आपको रिप्लेस करना है. नाउ दूसरा पॉइंट, जब हम बात करें यहां पे CO2 गैस जो इस पाइप के थ्रू आएगा तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्प्शन के बाद में पीछे सिर्फ गैस कौन सा बचेगा, ऑक्सीजन, और जब रीब्रीथ करेगा तो उसमें सिर्फ पेशेंट को ऑक्सीजन मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पे है कि कुछ चेंबर्स आप जो बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एनेस्थीसिया मशीन पे, मेनली थ्री टाइप के चेंबर्स आपको याद रखने हैं. वी हैव थ्री टाइप ऑफ चेंबर जिसके अंदर हम लिक्विड फॉर्म में आप ड्रग डालते हैं और उसी लिक्विड फॉर्म से ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके पेशेंट को इनहेलेशन एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है. ये चेंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये तीन कलर के होते हैं, येलो के साथ पर्पल, और आप इसको निकाल के चेंज करके इसकी जगह ब्लू भी लगा सकते हैं, ब्लू. तो मेनली आपको तीन चेंबर आपको याद रखना है, थ्री चेंबर्स जो है, बिल्कुल बिल्कुल. दिस पिंक कलर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर, बिल्कुल जो पॉइंट वो क्लियर है बिल्कुल. इसको चेंज कब करना है तो ये पिंक कलर जो है जब व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए, बाई मिस्टेक आई थिंक मे बी मैंने उल्टा बोल दिया होगा. सो दिस पिंक कलर शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर. ये पिंक जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, तब आप इस सोडा लाइम को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीनों की, तो येलो की बात करें, येलो के अंदर होता है आपका CO फ्लोरेन, पर्पल की बात करें यहाँ पे होता है आइसो फ्लोरेन, और ब्लू की बात करें तो यहाँ पे होता है डेस फ्लोरेन.
नॉर्मल कलर ऑफ सोडा लाइम इज पिंक कलर, नॉर्मली पिंक कलर का होता है, और जब ये व्हाइट कलर में हो जाता है कन्वर्ट, तब हमें में चेंज करना है, बाई मिस्टेक इट में भी उल्टा हो गया होगा कुछ, तो आपको इसको क्या करना है, पर्पल कलर को व्हाइट कलर में जब कन्वर्ट होगा तब इसको चेंज करना है। दीज थ्री आर नोन एज द वेपराइजर, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजर। ये क्या करते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग को वेपर फ्यूम बनाते हैं और उससे पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। सो ये पॉइंट आपको तीनों ध्यान रखना है, येलो इज फॉर सीओफ्लुरेन, पर्पल इज फॉर आइसोफ्लुरेन एंड ब्लू इज फॉर डेसफ्लुरेन। तो ये एनेस्थीसिया मशीन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वो करते आगे, अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां पे एक मास्क दिया हुआ है, आप इस मास्क को देखेंगे, एक इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है मास्क का इमेज, बिल्कुल जो हमने सोडा लाइम लिखा था वो सोडा लाइम का वर्क होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना, और जो हमारे वेपराइजर्स हैं इनका काम होता है एनेस्थेटिक गैस प्रोवाइड करना पेशेंट को, एनेस्थेटिक गैस प्रोवाइड करना, वर्क ऑफ वेपराइजर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इज द वर्क ऑफ सोडा लाइम चेंबर। यहाँ पे एक मास्क दिया हुआ है जिसकी हम बात करें तो दिस मास्क इज नेम बाई रेंडल बेकर सेक्सस आरबीएस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सुसेस या आरबीएस मास्क इज यूज फॉर, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये मास्क जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मास्क लिखा है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरबीएस मास्क, रेंडल बेकर सेक्सस मास्क, आरबीएस मास्क जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इस मास्क की बात करें, क्या है ये मास्क, अरे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो चेंबर बताए, एक सोडा लाइम चेंबर बताया था और एक वेपराइजर बताया था। सोडा लाइम चेंबर का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना, और जो वेपराइजर होते हैं वो आपके पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं, गैस को मिक्स करके, जो आपकी इनफ्लो गैसेज है उनके अंदर एनेस्थेटिक ड्रग मिक्स करके पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, तो ऑलवेज रिमेंबर सिंपल सा, सोडा लाइम चेंबर CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जब गैस बाहर आएगी तो CO2 को अपने पास रख लेगा। और जब हम बात करें कि जो आपका सेकंड पॉइंट था उसकी बात करें, तो वहां पे जो वेपराइजर्स है वो वेपराइजर एनेस्थेटिक गैसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उससे सेडेशन मिलेगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आरबीएस मास्क की बात करें, तो इस आरबीएस मास्क की बात करें तो ये आरबीएस मास्क इस ट्रायंगुलर शेप में अवेलेबल होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में आता है, और इसका जो ट्रायंगुलर शेप है वो आपको हेल्प करता है स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक पेशेंट, ये कंप्लीटली फिट हो जाता है बच्चों के अंदर, और कंप्लीटली पीडियाट्रिक पेशेंट में फिट हो जाता है, इसलिए हम इस मास्क को यूज करते हैं कॉमनली पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, या आप जब मास्क वेंटिलेशन करते हैं। सो आरबीएस मास्क या रेंडल बेकर सक्सेस मास्क के बारे में आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या देना है, दिस मास्क इज कॉमनली यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें आप इस मास्क को कॉमनली क्या करते हैं, यूज करते हैं। दिस मास्क इज द कॉमनली यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट, बच्चों के अंदर ये मास्क हम कॉमनली क्या करते हैं, यूज करते हैं। So this is the mask which commonly used in pediatric patient. अगला point. Next MCQ exam का एक और favorite topic, examiner का एक और favorite topic जो आपको exam में देखने को मिलेगा वो आपकी screen के ऊपर, very important, पढ़े क्या लिखा है और उसका answers put करें। एक और favorite topic examiner का और उसके ही MCQ आपकी screen के ऊपर, बिल्कुल आरबीएस मास्क इज यूज इन पीडियाट्रिक पेशेंट। सो आपका जो डेडिकेशन, आपका जो कमिटमेंट, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल बहुत ही जोरदार बना हुआ है, और आप इसको टिल नॉर्सेट बना के रखें, नॉर्सेट एग्जाम्स के तक, यहां से जितना भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत सारे एमसीक्यू आपको डायरेक्ट मिलेंगे। सो इसी क्वालिटी कंटेंट को
आप लेने के लिए, मेगा टेस्ट सीरीज को लेने के लिए, आप एमसीक्यू क्रश कोर्स बेच जो चल रहा है उसको लेने के लिए, ये सारा आपके जेएनसी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आप अभी से इमीडिएटली जेएनसी ऐप डाउनलोड करें। जो भी आपको कोर्स बाई करना है, आपको बुलेट बाई करना है, आपको टेस्ट सीरीज बाई करना है, वो इमीडिएटली बाई करें और एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को और ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो नेक्स्ट लिखा है थ्री पार्ट ऑफ एसएससी। एसएससी का मीनिंग होता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, और इस चेकलिस्ट ने लास्ट नॉर्सेट और प्रीवियस नॉर्सेट में धमाल मचा रखा है। ये चेकलिस्ट जो है नॉर्सेट का फेवरेट टॉपिक है। इसके एमसीक्यू हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आपसे इसके एमसीक्यूज बार बार आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस चेकलिस्ट को माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि इसके 3 से 4 एमसीक्यू तो एग्जाम में हर बार आ ही रहे। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के कंपोनेंट क्या है पहले ये पूछा है। तो साइन ऑन, ऑन होता ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, पहले ही गलत कर दो ए ऑप्शन को। तो दूसरा लिखा है लॉग इन। तो लॉग इन हम कंप्यूटर मोबाइल में करते हैं, यहाँ लॉग इन नहीं होता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में। तीसरा लिखा है साइन इन, बिल्कुल साइन इन हम करते हैं, टाइम आउट भी हम करते हैं और साइन आउट भी हम करते हैं, और फिर लॉग इन आ गया नहीं करते हैं। मीन्स करेक्ट आंसर क्या आपका, सी इज द करेक्ट आंसर की इन आवर पेशेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको आप सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं बिफोर सर्जरी, सर्जरी से जस्ट पहले आप क्या कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, टाइम आउट कर रहे हैं, साइन आउट कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर्स होता है, इन प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करें तो ये प्रोसीजर थ्री पार्ट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में आपको याद रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। हमारी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के 3 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। नेक्स्ट आगे पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़े और आंसर्स दे। ये भी आपके नॉट सेट के अंदर आने वाला एमसीक्यू है, एक और एमसीक्यू, टाइम इन नहीं होता है। बिल्कुल, दिस इज डन बाय द सर्कुलेटरी नर्स। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, एमसीक्यू क्या पूछ रहा है उसकी अगर अपन बात करें, क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डीप ब्रीफिंग इन सर्जिकल चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में आप डीप ब्रीफिंग किसको बोलते हैं, डीप ब्रीफिंग किसको बोलते हैं। अरे बहुत सारे आंसर जो लिख रहे हैं वो सी लिख रहे हैं, उनको पहली पॉइंट जो है वो ध्यान रखें कि सी तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पार्ट होता ही नहीं है। सी इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, सो सी को तो पहले ही आप हटा दो। साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट, 3 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास। साइन इन होता है, साइन आउट होता है और टाइम आउट होता है। टाइम इन तो हमारा कंपोनेंट ही नहीं है, तो उसको कैसे डीप ब्रीफिंग बोलेंगे हम। अब आपका आंसर पूछे जाए तो डीप ब्रीफिंग का मीनिंग होता है साइन आउट। साइन आउट को आप क्या बोलते हैं, डी ब्रीफिंग, और साइन इन आल्सो नोन एज ब्रीफिंग। तो अगर ब्रीफिंग पूछे तो आंसर देना है साइन इन, और डी ब्रीफिंग पूछे तो आंसर देना है साइन आउट। तो साइन आउट को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रीफिंग। साइन आउट इज आल्सो नोन एज द डी ब्रीफिंग। अरे जो कंपोनेंट में होता ही नहीं है उसको भी आंसर टिकाए जा रहे हैं सब, जो लिख रहे हैं जो इच्छा, और ये टकाटक चल रहा है। सो ये आपका जो अभी जो हम बात कर रहे हैं नॉर्सेट 2022 के लिए जो हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इट्स ओके कि ये क्लास जो है हम यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इस वजह से आप अपनी मर्जी से जो आ रहे लेके जा रहे हैं, बट यही कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में भी होगा।
जितना रॉन्ग प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे उतना ही रॉन्ग एग्जाम में भी होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एमसीक्यू, दूसरों के पीछे भागे नहीं, रेस का हिस्सा नहीं बने कि वो जा रहा तो मैं भी जाऊंगा, उसने सी लिखा इसलिए मैं भी सी लिखूंगा, नहीं तो फिर आप हमारे रामलाल जी की तरह बन जाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है। और आपको क्या करना है, अपने हिसाब से थोड़ा माइंड थॉट जनरेट करके सोच के फिर आंसर देना है। तो जो तीन ऑप्शन है कम से कम उसमें से तो आंसर दो, जो होता ही नहीं उसको सी लिखे जा रहे, सी सी सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, साइन आउट इज द डीब्रीफिंग एंड साइन इन इज द ब्रीफिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आंसर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, पढ़े और आंसर पुट करें। साइन आउट इज द डीब्रीफिंग एंड दैट साइन इन इज द ब्रीफिंग। टाइम आउट को टाइम आउट ही बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। टाइम आउट इज ऑल्सो नोन एज एज टाइम आउट, बस उसको टाइम आउट ही बोलते हैं और कुछ नहीं होता है। तो यहां पे लिखा है कि व्हेन इज द फंक्शन एंड करेक्ट अटैचमेंट ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर चेक्ड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। जब हम सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की बात करते हैं तो आप किस टाइम पे पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर चेक करोगे, उसकी फंक्शनिंग को चेक करोगे कि अटेस्ट है कि नहीं है, वो वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा है, कब चेक करोगे। व्हेन वी चेक द फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई आपने पेशेंट को लेटा दिया, पेशेंट को इंसिजन लगा दिया, सर्जरी स्टार्ट हो गई, फिर लगाया पल्स ऑक्सीमीटर, एक मिनट रुको पल्स ऑक्सीमीटर लगाने दो, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया फिर पता चला चल ही नहीं रहा है, तो वो बाद में प्रॉब्लम हो गई कि पेशेंट का सिचुएशन कितना हमें तो पता ही नहीं। हमें क्या करना है, जब भी किसी पेशेंट में सर्जरी करते तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है, सबसे पहले वाइटल साइन चेक करना है। सो हमारी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में भी सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, अपना करेक्ट प्लेसमेंट चेक करने वाला पॉइंट होगा। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले जब साइन इन करते हैं तभी क्या चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की प्लेसमेंट और करेक्ट वर्किंग है कि नहीं है उसको चेक करते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर को चेक करेंगे साइन इन के टाइम में। ऐसा नहीं पेशेंट को लेटा दिया, बेचारे को बोला थोड़ी देर रुक जा अभी सांस मत लेना, पल्स ऑक्सीमीटर काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम में आ जाएगा पेशेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज द साइन इन, ए इज द करेक्ट आंसर विच इज नोन एज द साइन इन। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपको पढ़ना है, एक और नया एमसीक्यू सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के ऊपर एक और नया एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेंटेन दिस डेडिकेशन टिल द 11th ऑफ सितंबर, 11 सितंबर तक इस डेडिकेशन को आप मेंटेन करके रखें और आने वाले नोट से 2022 में आप सक्सेस अचीव करेंगे, और उसके बाद आपकी इच्छा है पढ़े नहीं पढ़े, तब तक तो कम से कम पढ़ते रहना है। सो जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओटी आईसीयू के रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपको किसी भी आपकी अपनी अपनी वाली किताबों में नहीं मिलेंगे और ना ही किसी दूसरे वाली किताबों में मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वालिटी कंटेंट आपको JINC का जो बुकलेट सीरीज है उसी में आपको मिलेगा। सो इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन बाई ऑल्सो द बुकलेट सीरीज, आप बुकलेट बाई करें, वहां से आपको ये क्वालिटी कंटेंट कम्प्लीटली प्रोवाइड होगा। उसके साथ साथ में MCQ के लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी आप बाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। तो अगला पॉइंट लिखा है द प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन पेशेंट टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या देना है, प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रोवाइड करना है। व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक। आपको प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक देने के लिए जो रिकमेंडेड टाइम है वो कितना है, कब आपको एंटीबायोटिक पेशेंट में लगानी है।
एग्जाम का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक जो हम लगाते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, आप प्रोफाइलेक्सिस के लिए एंटीबायोटिक लगा रहे हो। अब प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो एंटीबायोटिक लगाते हैं वो हम इन्फेक्शन होने से पहले लगाते हैं, उसको बाद में नहीं लगाते हैं। पॉइंट ये आप याद रखें। तो लिखा है कि जस्ट बिफोर द इंसिजन, तो इंसिजन के जस्ट पहले नहीं लगाना है, उसको थोड़े टाइम पहले लगाना है ताकि वो उस एरिया में रीच हो जाए और आने वाले इंसिजन की वजह से इंफेक्शन नहीं हो, उसको प्रिवेंट कर सके। जस्ट आफ्टर द इंसिजन, तो इंसिजन के बाद में नहीं लगाना है, हमें इंसिजन से पहले लगाना है, बाद में तो कभी भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट, विद इन लास्ट 60 मिनट ऑफ इंसिजन, इंसिजन जैसे 10 बजे होने वाला है तो हमें 9 बजे 9 AM से लेकर 10 बजे के बीच में लगाना है, या फिर अर्ली मॉर्निंग ऑफ द डे ऑफ द सर्जरी, आज सर्जरी होने वाली सुबह 6 बजे लगा दो, अरे आज लगा दो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में इन्फेक्शन, तो हमें 6 बजे मॉर्निंग में भी नहीं लगाना है। सो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या है कि विद इन द लास्ट 60 मिनट ऑफ इंसिजन, द करेक्ट आंसर इज, जो 1 आवर का ड्यूरेशन होता है सर्जरी से इंसिजन के बीच में, उस ड्यूरेशन में आपको ये सर्जिकल सेफ्टी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको पुट करना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, विद इन लास्ट 60 मिनट सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा विद इन लास्ट 60 मिनट्स ऑफ इंसिजन में आप क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक पुट करेंगे। आगे ये आपकी आ गई है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, तो आपने इससे पहले भी देखा होगा आप इसके बारे में। अरे बिल्कुल, विद इन 60 मिनट का मीनिंग यही होता है, 30 मिनट पहले भी लगा सकते हैं, 45 मिनट पहले भी लगा सकते हैं, 60 मिनट पे भी लगा सकते हैं। विद इन 60 मिनट का मतलब यही होता है। सो नियर बाई वी विल पुट द एंटीबायोटिक बिफोर 15 to 60 मिनट, 15 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं। विद इन 60 मिनट का मतलब यही है, बिल्कुल प्री ऑप में आप लगा देंगे, 1 से 4 घंटे पहले नहीं लगाना है, 1 से 4 घंटे पहले लगा के फिर पेशेंट को उसका इफेक्ट एंटीबायोटिक का फिनिश हो जाएगा। तो आपके पास इस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का ये बड़ा सा इमेज है, ये आप गूगल से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और जरूर देखें इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साइन इन जिसको हमने बोला था, ब्रीफिंग बोलते हैं इसको, हम करते हैं बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, जहां पे ड्रग देने से पेशेंट को बेहोश करने से पहले आपको करना है साइन इन। ड्रग देने से पहले, बिफोर गिविंग द एनेस्थेटिक ड्रग यू हैव टू परफॉर्म साइन इन। बिफोर गोइंग फॉर स्किन इंसिजन वी हैव टू परफॉर्म द टाइम आउट, एंड बिफोर गोइंग आउट और पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने से पहले आपको क्या करना है, साइन आउट करना है। इनके अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें तो यहाँ लिखा था पल्स ऑक्सीमीटर ऑन फंक्शनिंग पेशेंट फंक्शनिंग, उसके अलावा साइट मार्क, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट, पेशेंट आइडेंटिटी, डिफिकल्ट एयरवे, एलर्जी, ब्लड लॉस, उसके अलावा कंफर्म टीम मेंबर, ये सारा पॉइंट। तो ये सारा आपको यहां से, अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको डाउनलोड करें और इसको बैठ के एक बार रीड करें, यहां से कम 7 to 8 एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा किस में करना होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप क्या करें, डाउनलोड करें गूगल से जाके, और इसको क्या करें घर पे एक बार अच्छे से रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले नोट से 2022 के लिए। इसके रिगार्डिंग कुछ और एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, उससे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है फ्यूमिगेशन, एक और पॉइंट लिखा हुआ है फ्यूमिगेशन। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट की वेन एवर वी आर नॉट हैविंग मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जब आपके पास में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर नहीं होता है उस कंडीशन में हमें ओटी को क्या करना पड़ता है, फ्यूमिगेट करना पड़ता है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर इज नॉट रिक्वायर्ड फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन इज ओनली रिक्वायर्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर और द कन्वेंशनल ऑपरेशन थिएटर, इन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर वी नॉट रिक्वायर्ड फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के अंदर पहला पॉइंट की फोगर मशीन आपको चाहिए होगी, और किससे करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड 40% से आपको क्या करना है, फ्यूमिगेट करना है। ये मशीन का इमेज जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखेंगे मशीन का इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिस इज एन इमेज विच आस्क इन प्रीवियस एम्स एग्जाम कि ये क्या है, तो आंसर देना है दिस इज एन फोगर मशीन और फ्यूमिगेशन मशीन। ये आपका फ्यूमिगेशन मशीन है या फोगर मशीन है जो हम ओटी या आईसीयू के अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, फ्यूमिगेशन के लिए इस मशीन को यूज करते हैं। इसमें क्या
सॉल्यूशन यूज होगा तो आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड 40%। आप क्या करते हैं इसमें, यहाँ से लिक्विड इसमें फिल करेंगे नीचे, और ये चेंबर आपका फोग बनाएगा और आपके पूरे एरिया को क्या करेगा, स्टरलाइज कर देगा। तो याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड 40% इज यूज्ड, फोगर मशीन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके थ्रू आप फ्यूमिगेशन प्रोसीजर जो है क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इकोशील्ड, गौरव शर्मा, इकोशील्ड बिल्कुल इकोशील्ड से भी कर सकते हैं, पर पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि इकोशील्ड जो है वो अपन बात करें तो इकोशील्ड आप यूज कर सकते हैं। इकोशील्ड, बेसिक बेकी शील्ड बहुत सारे आते हैं, ये सारे कंपनी के नेम होते हैं, और इसका कंपोजिशन जब आप देखोगे तो उसमें मेन कंपोजिशन आपको क्या देखना है, फॉर्मेल्डिहाइड आपको मिलेगा 40%। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वी आर कंडक्टिंग एन ओटी आईसीयू क्लास हियर, ओटी आईसीयू की क्लास हम कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लास विल बी कंटिन्यू टिल 12:30 तक आपकी क्लास है 2 घंटे की, और उसके बाद आपकी क्लास जो है एंड हो जाएगी। 12:30 तक आपकी ये क्लास रहेगी ओटी आईसीयू की, और कल हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़े और आंसर पुट करें, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे आपके लिए न्यू एमसीक्यूज हैं ओटी आईसीयू से रिलेटेड, और किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। मॉड्यूलर ओटी को क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ हम उसको जो आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उससे क्लीनिंग करते हैं, मोपिंग करते हैं, आपको फ्यूमिगेशन नहीं करना होता है, बिकॉज मॉड्यूलर ओटी में एयर का फ्लो सिर्फ इनसाइड टू आउटसाइड होता है। सो मॉड्यूलर ओटी कभी भी इन्फेक्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं, वहां पे सिर्फ आपको एयर को या सरफेस को क्लीन करने के लिए आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से मोपिंग करते हैं। तो बात करें यहाँ पे इस एमसीक्यू की, क्या पूछ रहा है, इन ऑपरेशन थिएटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ गोज, फॉर द काउंटिंग ऑफ गोज मोप नीडल काउंट्स इन सर्जरी। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के टाइम में गोज मोप नीडल काउंटिंग जो होती है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन लिखा है ए स्क्रब नर्स, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी नर्स, ऑप्शन सी स्क्रब एंड सर्कुलेटरी नर्स, और ऑप्शन डी सर्जन। तो सर्जन को हम पहले ही हटा देते हैं, सर्जन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर इंस्ट्रूमेंट काउंटिंग और गोज मॉप नीडल काउंटिंग, सर्जन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल, द स्क्रब नर्स और द सर्कुलेटरी नर्स और बोथ। तो ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, द पर्सन विच वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर which responsible for the counting of gauze, mop and needles count, the person, circulatory nurse as well as the scrub nurse, both are equally responsible for this counting. दोनों ही person equally responsible होते हैं। If the count is missed, अगर counting में कोई भी missing आएगा तो दोनों के ऊपर वहां पे कार्रवाई होगी, दोनों के लिए paper बनेगा, दोनों को explanation करना पड़ेगा, दोनों वहां पे equally responsible होंगे। So not only scrub nurse, the circulatory nurse is also equally responsible for the counting of gauze, mop and anything which present in trolley. तो आपको सिर्फ scrub nurse के ऊपर नहीं जाना है, circulatory nurse, मैं तो आज circulatory nurse, हम तो आज घूमेंगे, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, घूमेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं भाई नहीं, तेरा भी रोल बराबर है, कुछ भी मिस हो गया और नहीं मिला तो तेरे को भी पकड़ा जाएगा वहां आगे। So both are equally responsible, the scrub nurse as well as the circulatory nurse, both are equally responsible for the counting, not only scrub nurse, रहे सब scrub nurse, खड़ा भी scrub nurse रहे, हाथ ऊपर करके ऐसे पूरी सर्जरी में, फिर काउंटिंग करे, वो कम आया तो उसके लिए भी ये करे, सब कुछ करे, और दूसरा सर्कुलेटरी घूमता रहे, इधर उधर चाय पिए, मजे करे, नहीं, दोनों ही क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप नोट कर लेंगे नोटबुक में ऐसे छोटे छोटे गोल्डन पॉइंट के लिए, द काउंटिंग ऑफ गोज मोप एंड नीडल्स, रेस्पॉन्सिबल पर्सन स्क्रब नर्स एज वेल एज द सर्कुलेटरी नर्स, बहुत, नॉट ओनली स्क्रब नर्स। और ये पॉइंट सिंपल से होते हैं, सिंपल से एमसीक्यू होते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू होते हैं, पर हमें नॉलेज में नहीं होते और हम गलत कर देते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि स्क्रब नर्स दोनों का ऑप्शन आएगा, बिकॉज बहुत रेस्पॉन्सिबल है,
अरे दोनों का ऑप्शंस नेसेसरी है क्योंकि क्वेश्चन का बेसिस ही दोनों है, और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे तो एमसीक्यू ही नहीं आएगा। सो क्वेश्चन दोनों का ही है, सो जिसका है उसका तो आएगा, जो बेसिस जिसके ऊपर है उसी की अगर अपन बात करें तो बेसिस जो होता है वो क्या है, जब हम बेसिक पॉइंट थिंक करें, बेसिस की बात करें, तो वो उसी बेस पे क्वेश्चन बनाए कि कौन रेस्पॉन्सिबल है। इसका बेसिस ही यही है कि दोनों रेस्पॉन्सिबल है, तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो एमसीक्यू ही नहीं आएगा। चले आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू लिखे, पढ़े, आंसर दे, क्या लिखा है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछ रहा है आपसे, रीड करें और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर पुट करें क्या करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या पूछ रहा है एमसीक्यू कि एज पर एसएससी, एसएससी का मतलब द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, एसएससी इज द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस इन विच अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरी। कितना ब्लड लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी नॉट रिक्वायर्ड ब्लड अरेंजमेंट, हमें ब्लड इसमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा, इन सर्जरी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतना ब्लड लॉस हो सकता है, कितना हो सकता है तो आपको ब्लड अरेंज नहीं करना है, वो आपसे पूछा है। सो 500 ml लॉस होगा तब तक नहीं करना है, लेस देन 500 ml और मोर देन 500 ml और 10 ml पर केजी, कितना लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना या इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा तो हमें करना नहीं पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो रिमेंबर पॉइंट कि द अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस विच इंडिकेटिंग कि यू रिक्वायर्ड ब्लड इन सर्जरी दैट इज लेस देन 500 ml, अगर आपका ब्लड लॉस 500 ml से लो होने वाला है तो हमें ब्लड प्रोडक्ट अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ द ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml यू हैव टू बी अरेंज द ब्लड प्रोडक्ट। इफ समबडी आस्क यू इन किलोग्राम, लेस देन 7 ml पर केजी, 7 ml पर केजी अगर आपका अमाउंट लॉस होने वाला है तो आपको ब्लड अरेंजमेंट नहीं करना है, और अगर 7 ml पर केजी से ज्यादा लॉस होने वाला है तो आपको क्या करना है, ब्लड अरेंजमेंट करना है। सो ये ब्लड अरेंजमेंट कब करना है, तो आपको 500 या 7 ml याद रखना है, लेस देन 500 ml नॉट रिक्वायर्ड, मोर देन 500 ml यू रिक्वायर्ड, लेस देन 7 ml यू रिक्वायर्ड यू नॉट रिक्वायर्ड द ब्लड अरेंजमेंट, एंड मोर देन 7 ml यू रिक्वायर्ड द ब्लड अरेंजमेंट। सो आंसर यहां पे क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर रीड करें क्या पूछ रहे हैं आपसे और करेक्ट आंसर पुट करें क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा है कि ऑल आर द मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन एक्सेप्ट, मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन एक्सेप्ट बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग और आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, विच विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, All are the movement of hand hygiene except before touching the patient, after touching the patient, before touching the patient surrounding or D after exposure of body fluids. क्या करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा एमसीक्यू, आप सभी लोग जानते हैं मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन और उसी का यह एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू और आई होप कि सभी इसका आंसर करेक्टली प्रोवाइड करेंगे। सो जब हम बात करें मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन की, तो वी हैव टोटल 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन,
हमारे पास टोटल 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन होते हैं जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। 5 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करें कि बिफोर टचिंग द पेशेंट, दिस इज द 1 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। सेकंड पॉइंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, दैट इज आल्सो द 1 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज आल्सो 1 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। बट यहाँ लिखा है बिफोर टचिंग द पेशेंट, आपने पेशेंट को किसी को टच किया ही नहीं उससे पहले हैंड रब कर रहे हो। नहीं भाई, पेशेंट की फाइल को टच करने से पहले क्यों हैंड रब लगाना है, वो तो फाइल वैसे ही इन्फेक्टेड है। आप फाइल को टच करने से पहले हैंड रब लगाओगे तो उसका मतलब क्या है, फाइल को टच करने के बाद में हैंड रब लगाना है। सो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, बिफोर नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट क्या होना चाहिए था, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। सो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कि भाई पेशेंट को आफ्टर टचिंग हमें करना है सराउंडिंग के बाद में, बिफोर टचिंग में हमें इसको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, कि बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग यू नॉट रिक्वायर्ड फॉर हैंड हाइजीन मूवमेंट, आफ्टर टचिंग ऑफ पेशेंट सराउंडिंग यू रिक्वायर्ड द मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। तो टोटल 5 मूवमेंट होते हैं हैंड हाइजीन के, याद रखना है। मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन पूछा जाएगा तो 5 होते हैं, और स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग पूछा जाएगा तो हमें आंसर देना है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, 7 स्टेप्स या मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, तो 5 देना है आंसर। दोनों का ध्यान रखना है, डिफरेंट होता है। ये आप देख सकते हैं 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज पूरा बना हुआ है। फर्स्ट लिखा है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, सेकंड लिखा है बिफोर एनी क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर, थर्ड लिखा है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, फोर्थ लिखा है आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और डी फिफ्थ लिखा है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। सो दीज आर द 5 मूवमेंट, बिल्कुल एग्जाम में आसान एमसीक्यू ही गलत होते हैं, जो इजी एमसीक्यू जो होते हैं वही गलत होते हैं, और जो आपको नहीं आते हैं वो तो छोड़ देते हो आप ऐसे भी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, दीज आर द 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर एमसीक्यू रीड करें और आंसर्स पुट करें क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टेप्स तो साथ ही होते हैं, चाहे आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग करो चाहे आप मेडिकल हैंड वॉशिंग करो, स्टेप्स आपको आंसर देना है 7। सो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या पूछ रहा है एमसीक्यू आपसे, रीड करें एमसीक्यू को और क्विकली आंसर्स पुट करें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए नर्स चेंजिंग द लिनन ऑफ ए क्लाइंट बेड इज एक्सपोज्ड टू यूरिन एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। जब आप बात कर रहे हैं कि पेशेंट जो है क्या कर रहा है, पेशेंट का लिनन चेंज किया जा रहा है, और चेंज करते टाइम यूरिन जो है पेशेंट के जो आप नर्स के हैंड पे लग गया। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी रोट, आपका नाम भी लेंगे, सभी का नाम लेंगे, क्लास चल रहा है, क्लास इज कंटिन्यूइंग। What which is the guideline for performing this skill properly following this client encounter? तो आप याद रखें हमेशा कि हम जब भी हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास 2 conditions होती है हैंड हाइजीन करने के लिए। For performing hand hygiene we have the 2 things। अगर आपके हैंड जो है visible soiled और विजिबल नॉट सोइल्ड, अगर विजिबल सोइल्ड है तो आपको हैंड वॉशिंग करना है, विजिबल सोइल्ड है तो आपको क्या करना है हैंड वॉशिंग। विजिबल सोइल्ड का मीनिंग कि हाथों पे कुछ लग गया है, कुछ ना कुछ लगा है हाथों पे, तो उसको बोलते हैं विजिबल सोइल्ड, और वहां पे आपको हैंड वॉशिंग करना है। और आपको लग रहा है कि विजिबल नॉट सोइल्ड यानी कुछ लगा नहीं, आपने सिर्फ टच किया पेशेंट की फाइल को, टच किया पेशेंट को, टच किया, कोई भी सिक्रेशन या कुछ भी नहीं लगा है, तो जब कुछ भी नहीं लगाया दैट इज विजिबल नॉट सोल्ड, और उस टाइम हम करेंगे हैंड रब। हैंड वॉशिंग कब करना है, जब हाथ गीले हो जाए किसी से, और जब हाथ सिर्फ टच हो जाए तो हमें क्या करना है हैंड रब करना है। अब यहाँ पे यूरिन लग गया है मीन्स आपके हाथ विजिबल सोल्ड हो गए,
और विजिबल सोल्ड हो गए तो आपको हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, यू रिक्वायर्ड हैंड वॉशिंग। क्या पूछ रहा ये कि यूज हैंड रब टू डीकंटामिनेट द हैंड्स, तो हमें हैंड रब यूज नहीं करना है क्योंकि हैंड गीले विजिबल सोइल्ड है और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैंड वॉशिंग पे जाना पड़ेगा। रिमूव ऑल ज्वेलरी बिफोर हैंड वॉशिंग, आप पहले क्या करें, ज्वेलरी को रिमूव करें फिर हैंड वॉशिंग करें। अरे ज्वेलरी बाद में रिमूव करनी है और ज्वेलरी इज रिमूव्ड इन सर्जिकल हैंड वॉशिंग, यहाँ पे हम हैंड वॉशिंग पहले प्रायोरिटी है, पहले जल्दी से हाथ धो, दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। कीप हैंड्स लोअर देन एल्बो और डी लिखा है पेट ड्राई विथ ए पेपर टॉवल, पेपर टॉवल लेके उसको ड्राई करके साफ कर दो, कुछ नहीं हुआ, यूरिन ही तो है, साफ हो गया, कुछ नहीं, यूरिन ही तो था, लगाया साफ कर दिया। सो हमें पेपर टॉवल से ड्राई नहीं करना है, ज्वेलरीज का यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इज नॉट फॉर ज्वेलरीज, हमारी प्रायोरिटी अभी क्या होगी, हैंड वॉशिंग में। और जब हम मेडिकल हैंड वॉशिंग, यहाँ पे कौन सी हैंड वॉशिंग होगी, मेडिकल हैंड वॉशिंग, जब हम मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं द फ्लो ऑफ द वाटर शुड बी फ्रॉम द फ्लो ऑफ द वाटर शुड बी फ्रॉम एल्बो टू द पाम, आपका जो वाटर है वो किधर फ्लो करना चाहिए, पाम जो है वहां की ओर मूव करना चाहिए। और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, कीप द हैंड्स लोअर देन एल्बो, हाथों को ऐसे नीचे रखें सो पानी इधर से होके एल्बो से पाम की ओर मूव करेगा, दिस इज द मेडिकल हैंड वॉशिंग। हैंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम इस तरह से रखते हैं, व्हेन वी वॉशिंग द हैंड्स इन सर्जिकल हैंड वॉशिंग वी डू लाइक दिस एंड वाटर फ्लो फ्रॉम पाम टू एल्बो, बट इन मेडिकल हैंड वॉशिंग वाटर फ्लो फ्रॉम एल्बो टू पाम, दोनों का डिफरेंस याद रखें। मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर आपका फ्लो रहेगा should be from elbow to palm and surgical hand washing flow from the palm to the elbow. जब भी आप medical hand washing करेंगे duration is 40 to 60 second, 40 से 60 second तक आपको medical hand washing करना है। For surgical hand washing you required 3 to 5 minute. For surgical hand washing you required duration is 3 to 5 minutes, and if you are working in an operation theater and you are going for scrub in OT, then you have to wash your hand at least for 10 minutes. 10 minute तक करना है क्योंकि हमें above elbow करना होता है OT के अंदर। और normal नॉर्मल सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम बिलो द पाम एल्बो करते हैं, यहां तक करते हैं, लेकिन ओटी के अंदर हैंड वॉशिंग हम अबव एल्बो करते हैं, सो यू रिक्वायर्ड मोर टाइम। सो ओटी के अंदर 10 मिनट का टाइम होता है, 5 to 10 मिनट, नॉर्मली आपको 3 to 5 मिनट तक सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग 40 to 60 सेकंड, एंड ड्यूरेशन फॉर हैंड रब इज 20 to 40 सेकंड। हैंड रब करना है तो 20 to 40 सेकंड तक आपको क्या करना है, हैंड रब करना है। चले आगे, नेक्स्ट आंसर सी इज द करेक्ट। अगला एमसीक्यू सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में लिखा हुआ है, इन सर्जिकल असेप्सिस द हैंड शुड बी थोरोली क्लींस फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट। हाथ कितने टाइम के लिए धोना है, क्वेश्चन आ जाए कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम कितना होता है, तो आंसर शुड बी 3 to 5 मिनट, आंसर शुड बी 3 to 5 मिनट की 3 से 5 मिनट तक आप हैंड वॉश करेंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। दूसरा पॉइंट लिखा है, In OT, the hand should be scrubbed up to 10 minute. Operation theater में हमें above elbow करने होते हैं, so we have to done it for 10 minute. 10 minute तक आपको इसको करना है, अगर आप OT के अंदर working है। Now, when washing hands, they are held above the level of elbow. आपको क्या करना है, elbow level से surgical hand washing में ऊपर रखना है, medical hand washing में below रखना है। कॉन्सेप्ट माइंड में फिक्स कर ले, एग्जाम में 100% आएगा। इन सर्जिकल एब्सेप्सिस द एल्बो आर कंसीडर्ड मोर कंटामिनेटेड देन हैंड्स। जब आप इस हाथ को 10 मिनट तक वॉश करोगे तो ये हाथ ज्यादा क्लीन हो जाएगा कंपेयर टू एल्बो, इसलिए एल्बो को हम मोर कंटामिनेटेड कंसीडर करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, पाम को लेस कंटामिनेटेड कंसीडर करते हैं, इसलिए वाटर फ्लो करता है फ्रॉम पाम टू एल्बो इन सर्जिकल हैंड वॉशिंग। And in medical hand washing, water is flow from the elbow to palm because elbow is considered less contaminated compared to palm. चलो next आगे अगला point, अगला question आपकी surgical कुछ approaches हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो
कुछ सर्जिकल अप्रोचेस, कुछ सर्जरीज के बारे में कि कौन कौन सी सर्जरीज होती है, लाइक इलेक्ट्रो सर्जरी, उसके साथ साथ में आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, आपका क्रायो सर्जरीज, ये सारी सर्जरीज है, उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे एक इमेज आपकी स्क्रीन पे दिया मैंने, सर्जिकल अप्रोच के अंदर एक इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो आपको देख सकते हैं, बहुत सारी अप्रोचेज है। जब हम इस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग द इक्विपमेंट लाइक दिस, इस तरह का कोई भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं और सर्जरी परफॉर्म करवाते हैं, तो इस टाइप की सर्जरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो सर्जरी। और यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो हम ओटी के अंदर कॉमनली यूज करते हैं, उनमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलर कोटरी, मोनोपोलर कोटरी। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो नीचे फोरसेप दिया हुआ है, दिस फोरसेप इज नोन एज द बाइपोलर फोरसेप, बाइपोलर फोरसेप, और ये इसका जनरेटर है जिसके अंदर आप इसको कनेक्ट करेंगे। सो आप इस तरह का इक्विपमेंट यूज करते हैं और इसके थ्रू आप सर्जरी करते हैं, दिस टाइप ऑफ सर्जिकल अप्रोच इज नोन एज द इलेक्ट्रो सर्जरी। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज द इलेक्ट्रो सर्जरी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए इलेक्ट्रो सर्जरी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, टिश्यू कट करते हैं, यूज करते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो सर्जरी। तो इलेक्ट्रो सर्जरी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आपको दिखाया गया यहाँ पे, इलेक्ट्रो सर्जरी ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो सर्जरी जिसमें हम कोटरी मशीन यूज करते हैं, मोनोपोलर बाइपोलर, अ मेथड ऑफ डिसेक्टिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रो सर्जरी, इलेक्ट्रो सर्जरी इज अ मेथड ऑफ डिसेक्शन और कैटराइजेशन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक एनाटॉमिक एरिया टू कट, डिस्ट्रॉय और कोगुलेट। तो आप इलेक्ट्रो सर्जरी में क्या करते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को कट करना, कोगुलेट करना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो सर्जरी। और इलेक्ट्रो सर्जरी के अंदर जो हम इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट इज मोनोपोलर एंड सेकंड वन इज द बाइपोलर। मोनोपोलर का मीनिंग है जिसके आगे सिर्फ एक ही पोल होता है, यहाँ देखेंगे तो एक ही सिंगल पोल है, दिस इज लाइक पेन लाइक, यहाँ पे एक ही पोल है जो मोनोपोलर है। लेकिन जब आप बात करें बाइपोलर की, तो बाइपोलर फोरसेप की तरह होता है, इसके आगे दो पोल होते हैं, वन एंड टू, यहाँ देखेंगे दो दिख रहे, जो डबल वाला फोरसेप की तरह होता है उसको बोलते हैं बाइपोलर, वन एंड टू, बाई मीन्स टू, सो बाइपोलर एंड दिस इज द मोनोपोलर। और ये दोनों ही आप यूज करते हैं टिश्यू को कट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए और कोगुलेट करने के लिए। सो ये सारे के सारे सर्जिकल अप्रोचेज, इसके अलावा लेजर सर्जरीज आप करते हैं, उसके अलावा आप कोल्ड सर्जरी जिसको हम क्रायो सर्जरीज बोलते हैं वो आप परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आप परफॉर्म करते हैं। तो जितनी भी सर्जिकल अप्रोचेज हैं, दैट सर्जिकल अप्रोचेज विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट क्लास टुमारो, कल जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन सर्जिकल अप्रोचेज और कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब, लेरिंगोस्कोप, वीडियो लेरिंगोस्कोप, इन सारे आईसीयू के जो भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंटों के साथ में हम क्लास जो है कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को जो है हम यहीं कंप्लीट करेंगे और कल भी आपकी क्लास जो है ओटी आईसीयू से रिलेटेड कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग इसी तरह से अपना डेडिकेशन सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग अपना जोश जो है टिल नॉट सेट बना के रखें, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास कल। आज के लिए बस यहीं तक, बने रहिए जैन सी नर्सिंग पे, थैंक यू।